करने का नया तरीका। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ठीक है, इसको सीधा उधर तो भेजेंगे नहीं, तो कोई समस्या नहीं है ना। कल एक और नई चीज सीखी तो उसका आज यूज करते हैं। बाई चांस ही अगर पूरे पेज का जाता तो अपने को क्या वो एनोटेटर वगैरह का लफड़ा नहीं रहेगा? ऐसा आएगा इसके बजाय बढ़िया है वही। यहाँ से निकलते हैं बाहर, किसी दिन और जब टाइम होगा तो प्रयास करेंगे। देखिए इसमें वो चेक करना अपने को कि लाइट थोड़ी कम नजर आए तो ठीक है, वैसे नजर तो आ रही है। तो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे। लाइट का मतलब वो बाहर वाला सीन नजर आ रहा है, पर्दा आप रहने दो, पर्दा हटाओ, मैं अगला बोरा नहीं। किसकी लाइन है बताओ? देखें नहीं, पर्दा हटाओ कि आप पर्दा लगा लो, तुम लगा लो पर्दा, मेरा भाई ने कही दिया लाइन। चलो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। कौन कौन है जिन्होंने वो 50 क्वेश्चन का वीडियो ना वो देख लिया पूरा और समझने का प्रयास किया कि भाई हाँ यहाँ मेरे से गलती हुई थी, ये हुआ नहीं हुआ? नहीं देखा क्यों? तो फिर तीनों साथ में बैठ के देखा करो ना इसे आराम से, और चर्चा करते हुए हमारे साथ होने का मतलब ही यही है। मुझे लगता है कि राजस्थान जीके को रहने दे, नहीं करें चर्चा, रहने देते हैं ना। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो क्या करना, देखना है। तो वहां से वहां मैंने कह दिया कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचेगा कि मैं जो वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा टाइम 40 हो रहा है। टाइम 40 नहीं होगा, इस बात की अपन पूरी गारंटी लेते हैं। एक क्वेश्चन देखोगे कोई ना कोई, और सबसे मोस्ट चीजें हैं वो, ऐसे नहीं कि हर कुछ ही ऐसा उल्टा उल्टा डीप क्वेश्चन डाल दिया और फिर है जो उसके बारे में रामायण गा रहे हैं, अपने आप को महान बता रहे हैं, मैं देखना पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं। सबसे मेन जो चीजें हैं जो कम से कम आनी चाहिए हर स्टूडेंट को, उसी की बात की। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लेना है ना, वो ज्यादा बढ़िया तरीका वही रहता है। हालांकि इसको जो सेट तो उसके हिसाब से किया था कि लैपटॉप पे क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो लैपटॉप पे तो क्या ये साइड यूज हो जाती है बढ़िया, और अगर अब इस पे बोर्ड पे बात करें तो मैं उधर खड़ा रहता हूँ कि ये थोड़ा इधर रहते तो ज्यादा बढ़िया रहता है, हल उधर कर लेते हैं। तो इधर जो भी बैठा है उसको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा क्योंकि एंगल ये रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि वो ऑप्शन नजर आते रहे, खाली जगह मिल जाए। या ऑप्शन तो एक बार देख लेंगे, वैसे नजर आ रहा है कि ये है ना। पेन भी चेंज, पेन कौन सा रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, व्हाइट थोड़ा ठीक है आ जाएगा नजर है ना। ठीक है का मतलब क्या? ठीक है देख लेते हैं, व्हाइट ठीक नहीं है, रेड रखें। हाँ रेड तो खतरनाक है, इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, बिल्कुल ये परफेक्ट नजर आ रहा है। पहला सवाल था अपना रीजनिंग में, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 14 वर्ष है, 7 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात है जो 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? कोई भी इस तरह का एज वाला सवाल आता है तो अपने को अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि एक्स क्या एक्स है उसको गुणा करना है। कोई भी सामान्य संख्या आएगी उससे पहले आपका जो वहां जो भी अनुपात दे रखा है उसमें क्या कर देंगे आप अपनी तरफ से क्या जोड़ देंगे,
5x हो गया, ये जिसे सबसे पहले नाम आ रहा है अरुण का, है ना, तो अरुण की आप एज मान लेंगे क्या बोलो, 5x मान लेंगे, और दीपक की क्या मान लेंगे, 7x। बस इसके आधार पर हल कर लो, फिर जो x का मान आएगा ना वो दूसरे का मान भी निकाल लेगा आपने। अब ये क्या कह रहा है कि वर्तमान में आयु के बीच का अंतर है वो 14 वर्ष है, मतलब आप जो जब 7x में से 5x है उसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, 14 मिलेगा। तो यहाँ पर 7 में से 5 को तो माइनस कर लिया आपने, कितने बच गए, 2x बराबर 14 है, तो x बराबर क्या हो गया, तो बटे 2 हो गया, मतलब 7। ठीक है, अब x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब जो सवाल आगे कह रहा है वो क्या कह रहा है, दीपक की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये है जो अभी वर्तमान आयु ही मानी थी हमने 7x, ठीक है ना, ये मानी थी, तो 7 है दीपक यानी कि सेकंड नंबर पे आ रहा है, और सेकंड नंबर पे अनुपात क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 है। अब एक्स का मान क्या आ गया आपने, एक्स का मान 7 आ गया, तो इनपुट क्या हो जाएगा, 7, तो 7 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 49 आ गया। ये तो इस प्रश्न में जो हमसे पूछा था वो है, ये क्लियर हुआ ना सबका। और अगर बाई चांस वो जो प्रश्न पूछ लेता है अरुण की उम्र कितनी है, तो अरुण की उम्र है जो अपन याद कर लेते, जैसे अरुण की अगर उम्र याद करनी है तो 5 इंटू क्या कर देते, 7 कर देते, उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। और अनुपात भी जब चेक करोगे तो अनुपात आ जाएगा, देखो 7 का भाग 35 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, और उसमें कितनी बार जाता है, 7 बार, तो ये अनुपात भी आ गया 7:5। क्लियर है ना। एक सवाल जो हमने यहाँ कर लिया का मतलब क्लास में, अगर बोर्ड पे मैंने बता दिया यार क्लास में उपस्थित थे, वो अगर परीक्षा में गलत होगा आपने, अगर किसी भी स्टूडेंट के एक्स वाई कोई भी मान लो, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार जो कंपटीशन है वो हम भले ही बात कर सकते हैं इसे, जैसे अभी अपने यहाँ खूब सारे विद्यार्थी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेरी लिस्ट में बाहर से जो आए विद्यार्थी उनका नंबर आया नहीं आया, है ना, भले ज्यादा नहीं, फिर भी 2-4 नाम तो दूसरे आ गए ना, तो 2-4 नाम दूसरे आ गए, इसका मतलब दूसरे भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि अपन कोचिंग आ रहे हैं जो बस अपने कोचिंग में सब खतरनाक तैयारी चल रही है, बाकी जो सब मस्त सोए हुए होंगे। एक सवाल जो हमने यहाँ कर लिया उसका तरीका आपने को बहुत अच्छे से कंप्लीट दिमाग में फीड करके जाना, और मैं जो सवाल वही सिलेक्ट कर रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे या उसके जैसा आएगा, और वो तरीका आपने काम कर जाएगा। अब ऐसा कोई अनुपात का सवाल आएगा तो क्या करना, समझ में आ गया, यहाँ अंतर की बात कर रहा था, वो किसकी बात कर रहा था, अंतर की, तो माइनस कर लिया। वो ऐसे भी कह सकता है कि योग, योग करेगा तो कहेगा तो प्लस कर लेंगे, गुणा कहेगा तो गुणा कर लेंगे, आदि थी ऐसा कुछ कहेगा तो भाग कर लेंगे, बस यही काम करना अपने को, है ना, आराम से किया जा सकता है। कंप्लीट है क्या ये सवाल, बढ़ जाएंगे, किसी के नहीं आया हो समझ में बोलो। एज वाला कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए अपने, हो सकता है थोड़ा कोई टफ हो, जैसे मोहिंदर अमरिंदर वाला एक वो विराट वाला आया था वो थोड़ा कठिन था, तो उसको भी देख लेंगे, वो हो जाएगा, उसमें 2 बार समीकरण बनेंगे। बस सीमेंट की जगह क्या कर दिया यार, शहद कर दिया, और कुछ भी चेंज नहीं किया, है ना। ये किस किसने है जो गलत किया, गलत मतलब वो क्लास में था जब मैंने वो सवाल बताया, गलत हो गया, हो नहीं हुआ ना, 10 लीटर ही याद था बस, इस कारण से, है ना, भले तरीका नहीं आया हो लेकिन 10 लीटर याद था, इस कारण काम हो गया। वो लेंथी सवाल था, उसको क्या कुछ सवाल रीजनिंग में ऐसे रख के मैंने थोड़ा सा उसका टाइम बचाने का प्रयास किया, वो थोड़ा तनाव में कम आएंगे, है ना। तो इसमें क्या करना था, देखो 4:3 है पहले, है ना, और फिर बाद में सेकंड जो अनुपात है वो कितना है, 4:5। तो जब एक साइड की संख्या बदल नहीं रही है तो फिर आराम से अपन पता लगा सकते हैं इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और लीटर कितना बड़ा है, 5 लीटर, यानी कि 2 ही क्या है 5 है, तो 1 क्या हो जाएगा बोलो, उसका आधा हो जाएगा ना, इसका आधा हुआ तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 2.5 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट जो अनुपात में है वो किसको बता रही है बोलो, 2.5 लीटर को बता रही है ना, तो 2.5 लीटर को बता रही है। इसका मतलब अपन 4 है तो 4 को 2.5 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो कितना आ गया बोलो, 10 लीटर आ गया, है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही करना था। अब परीक्षा में कोई सवाल आए जैसे कठिन आ जाए, अनुपात वाला सवाल तो हमें नहीं आता है, हम क्या करें, मतलब क्या होगा हमारा, ऐसे सारी वो दुनियादारी है। देखो ये पूछ रहा था 4 का, तो 4 और 5 कितने होते हैं बताओगे, 9 होते हैं, 9 में से क्या है 4 है। अब इनटू अपने सामने कोई संख्या जो देगा वो, है ना, नहीं दे रखी तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और वहां पर इसका हिस्सा है जो वो यहाँ से किसी भी एक संख्या से मान के दोनों का अनुपात है उसको बराबर देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर ये x है वो तो x की जगह तो अपन सीधा रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, 4/9 है और इनटू x है, मतलब x सीधा भी लिख सकते हैं अपन, और सामने इसका मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो कुल क्या है वो भी पता लगा सकते हैं अपन। तो कुल पता लगाएंगे तो 4x बराबर 9 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया, 90x बराबर क्या हो गया, 90 में भाग जाता है क्या 4 का, अगर भाग जाता है तो ले लो, बराबर तो नहीं जाता है लेकिन किसी न किसी रूप में जाता है। देखो 2 बार गया पहले, है ना,
और दो बार गया तो कितना है, 8 आए क्या, 4 × 8 कितना बच गया, 1 10, तो फिर वापस दो बार गए क्या, और फिर 0.5 यानी 22.5। टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 22.5 है। और ये भी अपन अगर हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। देखो सेकंड बार में अपने पास है जो टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 1 का मतलब क्या है बोलो, 2.5। ये तो क्लियर है ना, 1 का मतलब हमने 2.5 माना। अब इसको भी गुणा करोगे तो 22.5 आ जाएगा। कर लो गुणा, 9 × 2 = 18 है ना, और 9 का आधा 4.5, 18 और 4.5 को जोड़ो 22.5। बस दोनों तरीके से कर सकते थे है ना, परीक्षा में आएगा। भले ये तो क्या कि सिंपल था, 3 और 5 का इस कारण से हमने कर लिया। बाकी इस तरह की कहानी अगर आती है तो भी वहां पर कुल संख्या क्या मान सकते हैं अपन, एक्स मान सकते हैं, 1 का हिस्सा है, बराबर रखो सामने और हल कर सकते हैं। या फिर हमने सूत्र लिखा था ऐसे, एक तो लिखा था ऐसे, अनुपात बटे हुए क्या है, अनुपातों का योग, और क्या है इंटू कुल कुल संख्या, या कुल संख्या नहीं दे रखी है ना, 22.5 नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और उसका हिस्सा आ जाएगा। ये सूत्र किसका है, तो किसी भी जैसे 2 4 5 अनुपात दे रखे हैं, किसी एक स्पेशल किसी का अनुपात है, उसका हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए ये सूत्र लगा दें, और इस सूत्र से हो जाएगा। कर लेंगे क्या, आया समझ में, थोड़ा बहुत अपने दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए। देखो अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू क्या है, कुल संख्या, कुल जो मान है, जैसे यहाँ 22.5 कुल मान है। अब इसमें से अगर 4 भी याद करना है तो ये 22.5 हो गया, 22.5 हो गया, ये हो गया 4 बटे क्या हो गया, ये 9। इसको जब हल करोगे तो आंसर क्या आएगा बोलो, 10 आएगा। कर लो भले हल, है ना, कॉपी में लिख के, और चाहो तो हल कर सकते हो, हल करके देख सकते हो, कर लो देखो। हाँ हाँ थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज है जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है सारे, जिसमें 50 क्वेश्चन है, 50 में से 50 ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में सबसे आगे है। और ये क्या नाम, मीनाक्षी है क्या, वो कहाँ गई, किट्टू कहाँ गई, नहीं तुम्हारी सहेली है, तुम्हारे साथ आती है तो तुम्हें पूछूंगा ना, क्या कहा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, कोई बात। सहेलियां हो तो ऐसी, और मैं है ना वो फीस वाला मामला है अपने, वो गड़बड़ इसीलिए होता है इसकी बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बाद में खुद का घाटा कर जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं होता है कि फीस तो जमा नहीं करवा रखी है तो फिर मस्त रहो। थोड़ी फुर्ती रखनी है ना, आ गया आंसर तो बता देना कि आ गया, आ गया क्या, कितना है, 10 आ गए, मतलब 22.5 को 4 से गुणा किया तो 90 आ गए, मजा आ गया। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और कितना लाभ कमाता बोलो, 20%। जब भी लाभ आने का सवाल आएगा, कोई परसेंट का सवाल आएगा, बेस संख्या माननी है, या तो एक्स या 100, क्या माननी है, या तो एक्स या 100 माननी है। सीधा सीधा अगर समझ में आ रहा है तो 100 मान लो, तो यहाँ मान लो कि उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ये हो गया उसका क्या, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य हो गया क्या, 100 रुपए। अब उसने जो 20% लाभ कमाया तो 20 पे कितने रुपए कमाए, 20 रुपए, मतलब 100 पे 20 रुपए कमाए तो 120 हो गया ना, कितना हो गया विक्रय मूल्य, कितना हो गया, 120, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो यदि इसे दुगुने मूल्य पर बेचता, यानी 120 में बेचा है उसके दुगुने, दुगुने का मतलब क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, है ना, 120 को, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 240 में बेचेगा तो पुराने विक्रय, पुराने विक्रय का मतलब ये पुराना विक्रय मूल्य है, इस पर उसको कितना लाभ होगा, कितने परसेंट लाभ होगा ये पूछा है, तो पुराना विक्रय मूल्य कितना बोलो, 120 है, और अब जो बेचा है तो उसको लाभ कितना हुआ, तो 240 में से 120 को क्या कर लो, घटा लो, कितना लाभ हुआ, 120 रुपए का, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 120। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो 240 माइनस 120 है, लाभ को कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 240 था दूसरी बार में, और पहले का क्रय मूल्य मानने के लिए था इसने कि भाई पुराना है उसको क्रय मूल्य मान लो आप,
240 में से 120 गया तो कितना आ गया, 120 आ गया। और 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बोलो, 100 से। परसेंट हमेशा किस पर निकालते हैं तो 100 पर। तो ये 120 से 120 कट गया और परसेंट कितना बच गया बोलो, 100%। यानी आंसर क्या आना चाहिए था, बी वाला ऑप्शन आना चाहिए था, 100%। कंप्लीट है ना, ये आराम से किया जा सकता है। दो चार सूत्र हैं वो याद रख लेना। लाभ का मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, हानि का मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, परसेंट हमेशा इनटू 100 करते हैं, प्रतिशत जब भी निकालना हो तो हमेशा दोनों का किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। 200 और 300 के बीच कितनी संख्या है, दो के साथ प्रारंभ या समाप्त होती है। देखो मैं पेपर बनाते बनाते वो मैंने 100 वाला देखा और मैंने कहा यार थोड़ा इसको घुमाते हैं, तो 200 हो गया वो। ये जिसके भी गलत हुआ है उसको तो माला वाला पहननी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कौन कौन है जिनके गलत हुआ, हाथ खड़ा कर। विकास के गलत हो गया। हाँ ये चीज मैंने उस समय सोची थी कि कुछ मेरे बहुत लाडले स्टूडेंट है उनकी ये समस्या हो सकती है हिप्नोटिज वाली, क्योंकि दो ऑप्शन जब एकदम क्रॉस आ जाते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा स्टक होता है, होती है समस्या है ना। तो मामला ऐसे अटका होगा कि यार ये तो 300 आ गया तो 99 ही रहेंगे, कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है वहां शुरुआत होती है किससे बोलो, 201 से। तो ये 201 जब 299 तक जाएगा तो 99 तो यही हो गए यार, फिर वो 200 भी तो है, वो भी तो किससे शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। तो कितनी हो गई टोटल संख्या, 100 हो गई। हो गई गड़बड़, परीक्षा में ऐसे हो जाएगा तो बोलो क्या क्या करेंगे फिर, नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। आराम से सोच समझ के और सवाल हल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे सवालों में, ठीक है। चलो अगला सवाल बात करते हैं। ये कह रहा है कि ये कोड वाले खूब कर रखे थे हमने हल, कोई है क्या जिसके गलत हुआ है सवाल, नहीं हुआ है। अब आज अब अगले अपने पास है कितने दिन, आज 17 तारीख हो गई, कितने दिन है एक काउंट करो ऐसे, कितने दिन है ये 13 दिन में कसम खा लो मेरे से कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो फायदे में रहोगे गारंटी इस बार, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई किसके सही हुआ, आप नहीं हुआ गलत हुआ कुछ भी हुआ तो भी अपन रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि क्या है कहानी। आंसर तो भले कुछ भी हो, आंसर तो कोई कहानी है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा आंसर की तो पता ही नहीं है ना, आप पहले बताओ फिर पूछो, है ये कह रहे हो। हाँ चलो, गलत का मतलब सबने जो नंबर तो देख ही लिया ना कि मेरे इतने आ रहे थे उसको कहाँ काउंट किया। देखो यहाँ पर अपने को क्या करना रहता है, इसको सामने लिख दो और उसको इधर लिख दो और फिर मिलान कर दो, है ना। वो कॉमन ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को चाहिए क्या है, एनिमी। क्या चाहिए बोलो, एनिमी नहीं चाहिए, फ्रेंडली चाहिए अपने को, लेकिन इसमें एनिमी का कोड चाहिए, ठीक है। तो एनिमी जिसमें लिखा हुआ है उस लाइन पे ज्यादा फोकस करना, उसी को पहले सॉर्ट आउट करना। ऐसे परीक्षा में भी अपने को ऊपर ही मतलब वो उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ध्यान देना है, कोई भी सवाल करेंगे तो किस तरीके से अपने को उसमें आगे बढ़ना है। तो देखो पहले इसमें एनिमी लिखा हुआ इज नॉट एक्सटर्नल है, दूसरी लाइन में कोई सा भी कॉमन देखो, इसमें है इज एक्सटर्नल लिखा हुआ है क्या, इज एक्सटर्नल, इसमें भी लिखा हुआ इज लिखा हुआ एक्सटर्नल। इसका मतलब यहाँ पर दो ऐसे होंगे जो यहाँ पर भी मिलेंगे, उन दो को तो हटाई दो। क्या क्या है देखो, 7 सी आ गया, 3 ए आ गया, है ना। तो 7 सी और 3 ए होगा नहीं, अब एनिमी बचा है नॉट बचा है, दो बचे नहीं है, तो इसका मतलब 9 ए और 8 बी में से कोई एक उत्तर होगा, गारंटी इस बात की। तो ऑप्शन देख लो, ये है ही नहीं, ये नहीं है, 8 भी है और 5 ही है, 9 है ही नहीं, तो फिर आंसर क्या हो गया, 8 भी हो गया। सवाल ही आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को, ऐसे ऑप्शन भी चेक कर लोगे पहले तो फायदा है, और अगर करना चाहो हल पूरा तो भी कर सकते हो। जैसे इसमें अपने को क्या है एक्स्ट्रा है जिसको निकालना है पहले, नोट को, तो नोट दूसरे में देख लो किसी में, ये लिखा हुआ नोट इधर लिखा हुआ है ना, नोट लिखा हुआ तो ये 9 आ गया है ना, इसमें भी 9 आ गया, बस खत्म है कहानी। या 9 आ गया इसका मतलब अपना जो 8 है वो सही है, कंप्लीट है ना। आ गया सबको समझ में, पक्की बात बोलो। हाँ ऐसे ये हलवा हलवा बहुत कर रहे थे अपन, है ना, तो एक सवाल भी हलवा रख दिया मैंने। इसमें 2 का स्क्वायर था, फिर 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी यहाँ क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। हो गया ना सबका सही, कंप्लीट है। किसी गलत हुआ हो तो बोलो, या इसमें आंसर आना चाहिए था 5। चलो पहले मैं आंसर बताऊंगा फिर पूछूंगा किसी गलत हुआ क्या, बोलो फटाफट बोलो क्या समस्या हुई तुम्हारी। अरे यार है? अच्छा तुम जोड़ बाकी ऐसे बोल गए क्या, हाँ तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को भी काम है लेना। जोड़ बाकी में डबल भी हो सकती है, डबल कैसे हो सकती है देखो, अगर कोई ऐसे लगाता अनुमान कि 2 है उसमें प्लस हो गया 1, कितने आ गए 3, 3 में प्लस हो गया 1, कितने आ गए 4, 4 में प्लस हो गया 1, कितने आ जाएंगे 5, और 4 फिर स्क्वायर फिर ये स्क्वायर फिर अगली संख्या स्क्वायर, ऐसे तो 2 श्रृंखला मान के भी करते तो भी 5 आ रहा था, है ना। अब ध्यान देंगे क्या मुकेश, मुकेश वापस थोड़ा ढीला पड़ गया इसका मतलब। हाँ
अब 10-12 दिन है जो बिल्कुल लगे रहना है, और अब है ना बहुत तनाव नहीं लेना। जैसे कोई विद्यार्थी है ऐसा जिसको लगता है कि नंबर कम आए हैं उसके, तो नंबर कम आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अब ज्यादा आ जाएंगे, कोशिश करो बस। ऐसे नहीं कि नंबर कम आए जो बस आराम से सोना है, मस्त रहना आपने। ये आराम से कर लिया होगा, सरल सवाल था बिल्कुल, बस वो दाएं बाएं का ध्यान करवाने के हिसाब से ही प्रैक्टिस में रख लिया था इसको मैंने। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, कितने मीटर? 15 मीटर, और चलता है कितना बोलो? उत्तर मतलब ऐसे अपना वो फिक्स कर लिया हमने कि भाई उत्तर मतलब हम कैसे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्तर है हमारे ऊपर है, ठीक है ना। कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है। फिर क्या करता है? दाएं मुड़ता है, तो दाएं बाएं आप क्लियर है ना सबका, राइट एंड है वो क्या है? दाएं है, तो दाएं मुड़ गया, चलो ठीक है। और कितने मीटर चल गया? 20 मीटर चल गया, ठीक है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर। अब यहाँ जैसे यहाँ मैं खड़ा हूं तो मेरा दाया कौन सा हो जाएगा? इधर है ना, यानी कि यहाँ आना पड़ेगा। और कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है। तो ये ध्यान रखना जब डायग्राम बनाओगे तो इसकी सीध है जो बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये 15 मीटर मतलब बराबर सीध में होना चाहिए, ओके। अब वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, अब बाएं मुड़ता है मतलब अब मुझे है तो इस साइड में मुड़ना ना कि इस साइड में मुड़ना, अगर वो दाएं मुड़ता तो बराबर आ जाता इधर, है ना। तो अब बाएं मुड़ गया है और कितना मीटर चला वो? 20 मीटर, यानी यहां से आप कितने मीटर और आगे ले जाओगे इसको? 20 मीटर, ठीक है। अब वो है मूल स्थिति से कितना दूर है, तो ये 15 एग्जैक्ट हो गया ना, तो फिर ये दूरी है जो उसमें काउंट हो जाएगी। यहाँ कितनी थी? 20, तो यहाँ कितनी हो गई? 20। अब ये दोनों क्या हो जाएगी बोलो? जुड़ जाएगी, तो 20 इधर और 20 इधर कितना हो गया? 40 मीटर। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। किसी गलत हुआ क्या? हाँ, अगर गलत हुआ तो थोड़ा सा इशारा कर देना ताकि मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, क्या समस्या है इसमें? तुम जो दाएं बाएं में इधर उधर ले गई उसको, हाँ क्या हुआ? सरल सवाल था ना, और किसी गलत हुआ क्या? पीछे 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 भावना, पूजा से कम आ गए नंबर अब की बार। हाँ, पूजा ने बहुत बढ़िया कमबैक किया वापस, है बढ़िया है, शानदार, ऐसे ही लगी रहो, थोड़ा जो भी समय है उसका बढ़िया फायदा उठाना। ऐसे देखो टॉपर है उससे अपने कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन अपना जो खास बिल्कुल पास में बैठा है वो अपने से आगे निकल जाए तो फिर थोड़ा तकलीफ करता है, करता नहीं। 9:25 पर घंटे और सुई के बीच सूत्र याद करवा रखा सबको, और आराम से ये सवाल आज किया जा सकता था। क्या सूत्र लिखते हैं? 11 × मिनट माइनस 60 × क्या लिखते हैं? बजे लिखते हैं ना, और बटे क्या लिखते हैं? 2। तो 11 को तो किससे गुणा करना था? 25 से, और -60 को किससे गुणा करना था? 9 से, बटे आ जाएगा 2। 11 का 25 से गुणा करेंगे 275, क्योंकि 250 + 25 है तो 275 है ना, और माइनस कर लेंगे 6 × 54 540 से। हाँ, क्या हुआ इसका आंसर? 540 को 275 से घटाओ तो इधर 40 है, इधर 35, 200, 500, 300, कितना बचा लगभग? कर लो रहे हल, 540 माइनस 275। परीक्षा में ऐसे अनुमान नहीं लगाना, आराम से लिख के हल करना ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। 5 और 13 में से 7 गए तो 6, और 4 में से 2 गए तो 2, 265 है ना। 265 बटे क्या है? 2 है, 2 का भाग देंगे 265 में, तो आराम से दिया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। आधा कर लेंगे उसका, 2 का मतलब हो गया, तो 100 हो गया, 65 का आधा 32, 32.5 है ना, तो 132.5 मान लो। अब ये ऑप्शन में देखना आपने को, ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं है तो क्या पूछा है? 20 का अनुमानित कोण है, अनुमानित कोण है मतलब क्या कर लेंगे? हाँ, 132 के पास वाला, यानी क्या कर देंगे? 130। कंप्लीट है ना, ये किसी गलत हुआ गया? और देखो हो सकता है कोई जैसे कि क्यों मैं फालतू में ऐसी बातचीत करूं, और मैं क्यों कहूं दूसरों को, क्यों बताऊं कि मैं जो कमजोर हूं, मतलब मेरा जो ये सवाल गलत हुआ है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा अपने को नहीं सोचना, जो दुनिया सोचती है उसको सोचने देना है। आ गई क्या बात समझ में? हाँ, तो किसी को हुआ क्या गलत? हुआ गलत सुनीता के, देखो अब ये बहुत खतरनाक समस्या हो सकती है ना, एग्जाम में इस तरह का सवाल है जो अपन गलत करते हैं, जिसमें क्या लगता है बोलो? फॉर्मूला लगता है, और वो सवाल जैसे ही गलत होगा अपन बहुत पीछे रह जाएंगे। क्या समस्या आई थी? अच्छा, 30 से ऊपर आ गया तो हम ऐसे नहीं करना, अब ध्यान रखना, ठीक है, उसके निकटस्थ करना था। 3 मार्च 2020 को क्या बार है बोलो? मंगलवार है, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था? कर लिया होगा सबने आराम से, है ना। क्या आया आंसर इसमें? नॉर्मल के सबके रविवार है, देखे कैसे आया देखते हैं, है ना। इधर वालों को कम नजर आ रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करते हैं, देखो थोड़ा इधर रह के और लिखता हूँ मैं। अपने को दे रखा है 3 मार्च 2020
बीस क्या लिख दे रखा है बोलो। 3 मार्च 2020 क्या दे रखा है? 3 मार्च 2020। और वार क्या दे रखा है इसका? मंगलवार है। बढ़िया वार दे रखा है क्या? हाँ, सबका मंगल होगा। वैसे 30 जून को भी मंगलवार थोड़ी है, संडे है, संडे है। तो ऑफलाइन मोड में रहेंगे सब। चलो अब ज्ञात किसका करना था? 3 फरवरी 2019 का वार हमें ज्ञात करना था। यहाँ रिवर्स चलना है क्या? सबसे मेन जो बात थी वो इस सवाल की यही थी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो अगर इस बात को समझ जाएगा तो फिर वो कर लेगा सही, बाकी गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। तो अपने को यहाँ पर 2020 और 2019 दोनों के दिनों को काउंट करना है, और वो जो शेष पलाता है उसको निकाल के लाना। सही बात है क्या? ये थोड़ा चारों तरफ थोड़ा चकाचौंध का असर आंखों में पड़ने लग गया है। 2020 में तो क्या क्या काउंट करेंगे अपन? जनवरी, जनवरी काउंट करना पड़ेगा क्या? हाँ, फरवरी भी और मार्च। हाँ, मार्च में तो देखो 3 का तो दे रखा है, तो कितने दिन चाहिए? केवल 2 चाहिए। फरवरी के कितने आएंगे? 2020 है तो फरवरी का 1 आएगा। ये तो पक्का दिमाग बिठा लेना। लीप वर्ष का ही सवाल देता है जानबूझ के, और रिवर्स का सवाल देने की संभावना ज्यादा है, तो मैंने रिवर्स का रखा ताकि अपन कम से कम एक बार ये प्रैक्टिस में लेके आ जाए, क्योंकि चूकेगा कोई स्टूडेंट तो वही चूकेगा। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उनकी खासियत होती है वो क्या, बहुत फ्लो में रहते हैं, और फ्लो में रहते हैं तो ऐसे 150 की तरफ रह जाते हैं ना, उनको लगता है कि इधर जाना है, अब लोग नुकसान करता है बहुत सी बात। तो फरवरी में 1 आ जाएगा। जनवरी में कितने लिखते हैं अपन? 3 है, तो ये कितने हो गए? 3 1 4, मतलब 3 और 3 6। तो 2020 में तो कुछ काउंट नहीं करना अपने को, 2020 के तो कितने दिन काउंट करने? केवल 6 दिन काउंट करने। अब ये इधर 19 में लपड़ा है, 19 में अपने को रिवर्स आना, मतलब दिसंबर से आना, और कहाँ तक आना है? जनवरी तक, मतलब क्या दे रखा? फरवरी, फरवरी तक आना, मतलब जनवरी के अलावा सब है जो वहाँ काउंट करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। या तो जैसे 2019 है तो 365 है, उसमें से जनवरी के कितने होते हैं? 30 होते हैं, और इधर 3 तो ज्ञात करना अपने को है ना, 3 ज्ञात करना, मतलब 2 घटा 2 यानी 33 घटा 2 365 में से, या तो वो आ जाएगा, उसमें 7 का 12 भी ज्ञात कर लो, या फिर पूरा लिखते हैं अपन, प्रोसेस थोड़ा ठीक रहेगा, सब समझ जाएंगे, कोई भी सवाल हो तो उसको कैसे अपन हल कर सकते हैं। इसमें लिख लेता हूं मैं, चलो फरवरी सबसे पहले है ना, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अरे बोलो मई, जून, फिर क्या आएगा? जुलाई, क्या आएगा? अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर, और इसको कहो ना कि ये कौन सी स्टाइल है, थोड़े अंग्रेजी में थोड़े हिंदी में रहे से, ये अपनी स्टाइल है, ठीक है? तो स्टाइल है तो बढ़िया बात ही है। अब फरवरी के कितने दिन काउंट करने अपने को बोलो? 19 का है तो इसका मतलब हो गया 3 फरवरी भी चाहिए अपने को, चाहिए ना, तो 2 8 2 26 कितने हो गए? 25 नहीं 26 हो गए, क्योंकि ये ज्ञात करना है, 3 तो उसमें आ रहा है इस कारण, तो कितने हो गए बोलो? 26 हो गए। 26 का हम तो 5 लिख दो क्या? 21 घटा लो 5 है ना, तो यहाँ आ गए कितने? 5। फिर मार्च में 3 3 आते हैं ना, हाँ, अप्रैल में 2, और ये क्यों आ रहे हैं? ये क्या हुआ, कोई एकर बैठा है क्या अपने आसपास दिया है? हाँ? कोई बात नहीं, वापस लिख दें, कुल मिलाकर वो जो अपने को बचाना चाह रहा है कि एक बार थोड़े बहुत जो हो गए डिले, कोई बात नहीं, अपनी क्या टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी कमजोर है, तो ठीक है वापस। अब डायरेक्ट ऐसे लिखवा दो, फरवरी में कितने लिखे थे बोलो फटाफट? 5 लिखे थे ना, मार्च में कितने लिखते हैं? 3, अप्रैल में 2, मई में और जून में और जुलाई में, अगस्त में भी, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जोड़ो फटाफट से, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21 और 2 23, 23 और 3 26 और 2 28 का मतलब कितने लेने हैं अपने को यहाँ? 3 ही लेने हैं ना, इतना गिनने का कोई मतलब ही नहीं था। तो कितने हो गए टोटल? 3 और 6 कितने हो गए? 9। 9 में 7 का भाग दे, वो कितने बार गया? एक बार गया, 7 आए, कितना बच गया? 2 बच गया। बस ये 2 की कहानी है, 2 कहाँ चल रहा है? रिवर्स चल रहा है, क्योंकि 2020 का दे रखा है, 2019 का पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स चलना पड़ेगा मतलब मंगलवार से 1 दिन पहले चलेंगे तो क्या जाएगा? सोमवार। सोमवार से 1 दिन पहले चलेंगे तो क्या जाएगा? हाँ, क्या जाएगा बोलो? रविवार आ जाएगा। कंप्लीट है ना, आया था सबके रविवार,
ये किसी गलत हुआ हो तो हाथ खड़ा करो थोड़ा। खूब नीचे कर लो हाथ, तुम ले इसके गलत हुआ है। महासूत्र से, महासूत्र से देखो, महासूत्र से अगर इस तरह का ये सवाल है ना, इसमें तो वैसे तो अप्लाई करना नहीं है, लेकिन अप्लाई करते हो तो क्या ध्यान रखना है वो बताता हूँ। पहले क्या करना है कि 3 मार्च 2020 का वार ज्ञात करना है महासूत्र से, ठीक है। हमने वार ज्ञात किया, उसमें जैसे सोमवार आ गया, क्या आ गया बोलो, सोमवार आ गया, और सवाल में हमें क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। तो महासूत्र से जो भी उस तारीख का आएगा उससे हमें एक साल एक दिन पीछे जाना, एक साल नहीं सॉरी एक दिन पीछे जाना है, ठीक है। यहाँ क्योंकि मंगलवार की जगह यहाँ क्या आएगा, सोमवार, तो वहां जो भी आएगा उससे एक पीछे आ जाओगे, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब उसमें शनिवार आ जाएगा, फिर शनिवार से एक दिन पीछे आएंगे तो रविवार हो जाएगा। आगे की बात समझ में, या फिर इधर है जो जैसे बुधवार आ गया, इधर मंगलवार आ रहा है, उधर महासूत्र से बुधवार आ गया, तो वापस वहां भी जो आएगा उससे क्या करना, एक दिन आगे चले जाना, बस हो गया सवाल, कर सकते थे आराम से, है ना, कोई ऐसी बात नहीं, बट जाएंगे आगे। लेकिन बहुत ज्यादा के गलत हुआ है, अब परीक्षा में हो जाता तो ऐसा सवाल आएगा, गारंटी है। और अपने को बहुत अच्छे से कंप्लीट प्रैक्टिस करके जाना है। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग की अपनी जितनी यूनिट है ना, लगभग 20 से 22 है जो वो इम्पोर्टेंट है, बाकी विजुअल है, फोटो वगैरह वो तो आ जाएंगे सबको, कोई समस्या नहीं है। ऐसी जो प्रश्नावलियां हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा हल करने पड़ते हैं सवाल, उनके 10-10 सवाल है ना, उनको 5-5, 10-10 बार हल करके देख लो। वो अलग अलग सवाल को नहीं, एक ही सवाल है उसको 10 बार 15 बार हल करके देखना, मतलब 10-15 सवालों को दो तीन बार हल करना। आई बात समझ में, ये ताकि अपने को बहुत अच्छे से वहां जैसे ही परीक्षा में आएगा खट से अपना जो हल कर पाए, प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसी अपने। समझ में आई क्या बात, हर यूनिट के कितने सवाल। हाँ जैसे अपना जैसे कि टाइम कम मिल रहा है, जीके वगैरह बिल्कुल कमजोर है तो 10 सवाल कर लो, टाइम मिल रहा है ठीक ठाक अपन काम कर सकते हैं तो कितने सवाल कर लो, 15, और उनको 2-3 बार, मतलब जैसे ही सवाल देखा कि हाँ ऐसे हल करना है इसको, ये आ जाए तो फिर उसको हल नहीं करना, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। कोई सवाल ऐसा है लग रहा है कि ऑप्शन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, हल करके देखो, नहीं हो रहा तो किसी से पूछो, यूट्यूब पे देखो, कहीं ना कहीं जो भी है, या मुझसे पूछो, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अब जो 24 घंटे, यही काम है अपने। 6 व्यक्ति वो कंप्लीट है, अब समझ में आ गया गया जो सवाल। 6 व्यक्ति है, कीकु, लीना, परम, राजू, सना, की लंबाई अलग अलग है। केवल परम है तनु से लंबा है, कीकु सबसे छोटा नहीं है, राजू की लंबाई लीना और परम की। इसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग का टेस्ट होता है कि हम कितना धैर्य रख पाते हैं, है ना, कितना वो जो सूचना है उसको फटाफट से प्रोसेस करके माइंड में, और नया जो एकदम उसको डाटा होता है कच्चा, उसको जो सूचना बदल सकते हैं। राजू की लंबाई 165 सेंटीमीटर, जो सना से 2 सेंटीमीटर कम है, सना से 2 कम है, इसका मतलब सना की कितनी है, 167 है। वैसे ये फालतू की जानकारी है, आगे बढ़ते हैं। राजू की लंबाई कीकू से कम नहीं है, लीना की लंबाई 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे लंबा है। तो ये देखो दूसरी जो लाइन है ना, यहाँ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, केवल परम तनु से लंबा है, इसका मतलब तनु है वो परम से छोटा है, और सबसे लंबा कौन सा हो गया, परम हो गया, दूसरे नंबर का कौन सा हो गया, तनु। देखो ये साफ साफ लिखा है या नहीं है, केवल परम तनु से लंबा है, इसका मतलब दूसरे नंबर का सबसे लंबा तो कौन हो गया, तनु हो गया, बात ही खत्म हो गई। मतलब पहली लाइन में आंसर लिख दिया, और ये फालतू की जानकारी वो अपना टाइम खाने के लिए, अगर वहीं से अपन समझ जाते हैं, या पूरा तो एक बार पढ़ना पड़ता है। वैसे कंप्लीट है ये सबका। अगला सवाल कह रहा है कि 5 मित्र हैं, देखो रे मित्रों आगे है ना, पहले भाई बहन मित्रों, और अब जो परिवारजन हो गए है ना, धीरे धीरे वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मोबाइल में अपडेट होता है ना प्रो और फिर मैक्स, ऐसे जाता है, ऐसे अपडेट होता जा रहा है मोदी जी का मामला, तो अपने भी थोड़ा अपडेट हो गया मामला। देखो भूमिका, राशि, श्वेता, विवाह, अरुणिमा, ये 5 मित्र हैं, और किस तरफ देख रहे हैं बोलो, गुरु की ओर देख रहे हैं, और लाइन में बैठे हैं, ध्यान रखना जीम रहे हैं, ऐसे मान लो क्या कर रहे हैं, जीम रहे हैं, जीमने जाते हो नहीं जाते हो, तो जीम रहे हैं ये, लेकिन जीम रहे हैं उसमें उनकी जो पंगत, पंगत बोलते हैं ना लाइन बनाते हैं उसको, तो वो पंगत ऐसे लगी हुई है कि वो उनका जो मुंह है वो किस तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। तो कभी जिमो तो ऐसे ऐसे 5 जने बैठ के फिर चेक करना एक बार कि वो सवाल सही किया था कभी, ठीक है ना। भूमिका, विभा और श्वेता के बीच बैठी है, भूमिका कहाँ बैठी है, विभा और श्वेता के, कहीं भी बीच में बिठा सकते हैं अपन, है ना, लेकिन एक बार पूरा पढ़ लो फिर बिठाओ तो ठीक रहेगा। राशि, श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है, दक्षिण छोर पर कौन बैठा है, तो राशि श्वेता, यहाँ श्वेता की बात कर रहा है ना, फिर राशि और श्वेता में क्या कर रहा है, बाएं से दूसरे, इसका मतलब अपने को यहाँ बिठाना चाहिए किसको, भूमिका, है ना, तो भूमिका को बिठा दो यहाँ पर। अब भूमिका किन के बीच में है, देखो विभा और श्वेता, तो श्वेता के तो और बैठा है ना उधर, तो श्वेता को बिठा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कौन बैठ जाएगी फिर, ऑटोमेटिक विभा, और आगे क्या लिखा है, राशि श्वेता के बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे मतलब ये देखो श्वेता, मान लो कि मैं श्वेता हूँ, श्वेता तो नहीं हूँ लेकिन हो, तो
इस तरफ बैठेगी है ना, और इस तरफ कौन से नंबर पर, दूसरे, दूसरे का मतलब हो गया पहला ये दूसरा, यहाँ पर कौन बैठा है बोलो, अरे कौन बैठा है, राशि, कौन बैठी है, राशि बैठी है, एक दोस्त रह गई, कौन, अरुणिमा, कौन रह गई, अरुणिमा। ये लिखने में थोड़ी समस्या है तो चल जाएगा, वैसे आ रहा है समझ में, कोई समस्या नहीं, वहां जो सही लिखा हुआ। अब क्या पूछ रहा है, दक्षिण छोड़, तो ये अगर कुरु है तो ये क्या होगा बोलो, दक्षिण, तो कौन बैठा है, विभा बैठी है, बस ये किसी गलत हुआ क्या, अरे यार कैसे काम चलेगा फिर, चिमड़े नहीं जाती हो क्या, फिर तो सही होना चाहिए था, ये तो गलत बात हो गई। बढ़िया एकदम जीवने का सवाल बनाया मैंने तो, कुछ याद आएगा उनको सबको। चलो आगे, अब समझ में आ गया ना उसमें क्या करना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, एकदम वो जो सूचना जो बताई गई है उसके हिसाब से जमा लो, स्वाद से हो जाएगा। और डायग्राम है ना, हो सकता है जैसे मैंने जो पहले लिख दिया, कोई भी समस्या है अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, एक बार वापस देख देख सकते हैं अपन। जैसे वो कह रहा है ना कि या भूमिका विभा और श्वेता के बीच बैठी है, तो भूमिका विभा और श्वेता बिल्कुल सही है। ऐसे आगे क्या करा है, राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर, श्वेता उसके बाएं दूसरा राशि, ये बस ये चेक कर लो, ये नहीं बन रहा दूसरा बना लो, है ना, ऐसे तो है नहीं। वैसे तो अपने पास पेज की कोई कमी नहीं थी कल तो, और व्हाइट पेज दिए थे मैंने जिसके पास नहीं थे, तो और घर से लेके आए थे वैसे। चलो अगली जानकारी फुटो, और क्या है कहानी जो देखो, एबीसीडी पांच व्यक्तियों का एक समूह है, एक दर्शन शास्त्र, एक मनोविज्ञान, एक अर्थशास्त्र का व्याख्याता है, तीन सब्जेक्ट की व्याख्याता है ना, ए और डी अविवाहित महिला है, महिला है और कैसी है बोलो, अविवाहित है, किसी भी विषय की विशेषज्ञ नहीं है, मतलब इन तीन में से किसी से उसका कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है, मतलब दार्शनिक या अर्थशास्त्री है वो लोग कौन है, पुरुष है। एक विवाहित जोड़ा है, इसका मतलब क्या है, ई पति है तो कोई ना कोई इसकी क्या है बोलो, पत्नी है, और उसमें ए और डी में से कोई नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि वो तो अविवाहित है। बी सी का भाई है, वह न तो मनोविज्ञानी है और नहीं क्या है, अर्थशास्त्री है। चलो बढ़िया है, पूरी सूचना, ये पहली वाला प्रश्न है, और पहली का एक प्रश्न अपना पेंडिंग ही चल रहा है क्या वो उसका अब नंबर लेते हैं, इस टेस्ट में उलझ गए थे ना, अब थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तो अब यही काम रहेगा, हमने जो भी उलझी हुई चीजें हैं उनको सुलझाने का काम रहेगा। चलो इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को, है ना, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसके पास तो जगह ही नहीं है अपने, तो क्या करें, ये थोड़ा मिनिमाइज तो ज्यादा होता नहीं है, हाँ नहीं नहीं व्हाइट बोर्ड पे बनाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही कर लेंगे अपन, देखो बिल्कुल छोटा सा बना लेते हैं अपने, है ना, इधर है ठीक है क्या, जो भी सूचना होगी इसमें लिख लेंगे, नाम क्या क्या है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ए बी सी डी, ओके। अब जो सूचना है वैसे लिखते जाओ, दर्शन शास्त्र, मनोज्ञान और एक अर्थशास्त्र, मतलब तीन है वो व्याख्याता है अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है ना, ए और डी अविवाहित महिला है, एक तो कौन है, ए है और एक डी है, इनके बारे में क्या सूचना है, ये एक तो क्या है बोलो, अविवाहित है, क्या है बोलो, अविवाहित है, और फीमेल है, क्या है बोलो, हाँ महिला है, तो जैसे कोई भी कोड लिख सकते हो अपन, है ना, महिला में वहां एम का मतलब महिला मत समझना, वो थोड़ा ध्यान रखना, अभी एफ लिख रहे हैं उस समय एम का मतलब मेल समझना है, ठीक है, या पुरुष मैं कर दो वो महिला वाला। फिर आगे क्या सूचना है, किसी भी विषय की विशेषज्ञ नहीं है, तो यहाँ लिख दो विषय, ठीक है, क्या लिख दो यहाँ, विषय, तो ए है ना उसके कोई विषय नहीं है, और डी के भी कोई विषय नहीं है। अब विषय किन किन के बच्चे हैं, तो तीन जनों के बच्चे हैं, देखो ई सी और बी के, क्लियर है ना, ई क्या है, पति है ना, ये पति है, पति की इसके बारे में सूचना आई थी ना कहीं, हाँ ई पति है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पुरुष है और पति है, ठीक है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट रहेगा इसका। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है मतलब बी पुरुष है, बी पुरुष है ना, बी पुरुष है, ये है जो क्या है, मेल, ठीक है, पुरुष है, और सी का भाई है इसका मतलब ये क्या है, महिला है, तो पता चली गया इसका, देखो ये है जो फीमेल है और ये है जो पत्नी है, शायद पत्नी है ना, हाँ तो यहाँ आगे लिख देता हूं मैं, ये है जो ई की पत्नी है, ठीक है, ई की पत्नी, ओके। अब आगे क्या करा है अपने से, कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है, देखो दो महिला तो कुछ भी नहीं है, और तीन कुल बच रहे हैं उसमें से भी कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है, तो बच्चा क्या है, दार्शनिक हो गया, अर्थशास्त्री हो गया, तो मनोविज्ञान, तो इसका मतलब सी है वो क्या पढ़ाती है बोलो, साइकोलॉजी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, मनोविज्ञान पढ़ाती है, क्लियर है क्या। अब दो बच गए हैं, और बी है वो सी का भाई है, न तो मनोविज्ञानी है न दर्शन शास्त्री है, तो दो चले गए, एक बच गया, कौन सा बच गया, दर्शन शास्त्र बच गया, तो इसका मतलब बी है वो किसका है, दर्शन का है, और दर्शन का है तो ई किसका बच गया, तो अर्थशास्त्र बचा गया,
बस अर्थशास्त्र हो गया, अब सारे के सारे सवाल हैं उनको अपन आराम से हल कर सकते हैं। टेबल मेथड ठीक है क्या इसमें? टेबल मेथड से किया जा सकता है वो, हालांकि सवाल ही हमने ऐसा चुन लिया था कि थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी उसमें, तो इस कारण हम उसको सोल्व नहीं कर पाए थे, टाइम भी शायद तक उस दिन गड़बड़ कर रहा था। कर लेंगे अब, है ना? तो अब आंसर देते हैं इसके, चलो देखते हैं। दर्शन शास्त्र का व्याख्या था कौन है, तो किसके सामने आया दर्शन शास्त्र? अरे कहाँ है दर्शन, ये है क्या? हाँ, तो बी सही है इसमें, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है? हाँ, उसमें लिखा हुआ बी है। इसका वो गड़बड़ होती है, किसी को हुई क्या है गड़बड़? हाँ, नहीं होनी चाहिए, पहले ही बता रखा मैंने। हाँ, एक तो है दर्शन शास्त्र की व्याख्या था कौन है, अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र की व्याख्या था कौन है, लास्ट वाला था क्या? हाँ, ई। ई की पत्नी कौन है, अभी बात कर गए अपन, सी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का समूह है, एक तो बी है और एक ई है, ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। और बहन भाई का जोड़ा कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या, बी सी हो जाएगा, है ना? और महिलाओं का समूह कौन सा, तो नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने जो चाहिए था वो मिल गया है। कौन सा अविवाहित महिलाओं का समूह, ये तो एक ही लाइन में लिखा हुआ था साफ साफ ही, है ना, ए और बी, है ना? एक महिला और कौन सी थी, सी थी। तो पहली वाला किस किसके गलत हुआ है बताओ। अरे यार, गलत हुआ। हाँ ठीक बात है। और इधर किसने हाथ खड़ा किया था, गलत हुआ आपने, गायत्री के भी गलत हुआ। कौन कौन है जो टेस्ट देने नहीं आए थे, हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़े करो, नीचे कर लो, नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, है ना? शाबाश, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही 30 जून को भी हिम्मत रखना, मैं नहीं जाऊंगा, देखिए सरकार क्या कर देती है, ठीक है? हाँ, एक दिन और हिम्मत करनी है बस, ठीक है? फिर क्या होता है देखो, इतना शानदार रिजल्ट आएगा, सब जगह ए ग्रेड लिखी हुई आएगी, इतना मस्त एकदम। देखो कोई कारण हो सकता है, मैं तो कोई ऐसे मत समझना कि हमारी हिंदी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रयास करना चाहिए था। ये मैंने कहा था कि वो एक, देखो कल जिसने भी टेस्ट किया ना, उसको ये अनुभव तो आ गया कि किस तरह से एक पेपर है उसकी प्रोसीजर रहती है। जैसे अभी इधर से सुनने में आया ना कि मेरा टाइम नहीं बचा, तो टाइम नहीं बचा ये कमी किसकी है, वो सुधारनी है। अब जो अगले 10-12 दिन है अपने पास, उसमें ये प्रयास करना है कि टाइम गया कहाँ, 3 घंटे सबके पास थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर भी ज्यादा आए हैं, सारे प्रश्न किए उन्होंने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है जो किसमें है, पेपर में नहीं है, किसमें है बोलो? हाँ, मेरी समझ में है, कहीं ना कहीं मैं सवालों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, मैं किस तरह से उलझता हूँ, क्योंकि मैंने क्या दो, तो एक बार एक पेज लेके घूम रहा था मैं इसे कि कितने सवाल बाकी हैं क्या है, तो वो भी एक तरीके से ये चेक करना था कि कौन स्टूडेंट है जो किस स्पीड में लास्ट के 15-20 मिनट में बढ़िया करता है। और उसमें मैंने एनालिसिस निकाला था कि ये स्टूडेंट है जो यहाँ रहेंगे लगभग, इनके नंबर यहाँ आएंगे, तो वो लगभग वो बैठा था। चलो अब आगे, ये पंचायत होती रहेगी अपनी, आगे बात करते हैं। एक्स और वाई भाई है, क्या है बोलो? अरे भाई भाई है, क्या है? एक्स और वाई क्या है? भाई है। वैसे एक्स और वाई न जाने क्या होते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ क्या है? भाई है। आर वाई का पापा है, आर वाई का क्या है बोलो? पापा है। ये है तो क्या है बोलो? पिता है। अपने लिखने का तरीका बता रखा है सबको, कैसे हल करना, सारी किताबें यूट्यूब वगैरह सब अलग तरीके से हल करते हैं, अपन अलग तरीके से हल करते हैं, ठीक है ना? आर पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है, टी एस की क्या है बोलो? टी एस की बहन है क्या? अरे बहन कौन है? टी है, ये ध्यान रखना, ठीक है? और बहन होता है बहिन होता है? बहन होता है, हाँ ध्यान रखना। आगे क्या करें? एस एक्स का मामा है, ये मामा है किसका? एक्स का। कौन है मामा? अरे बोलो, एस है। और इस एस की बहन कौन है? टी है। और इसकी बहन है, ये एकमात्र है, एकमात्र है, इसका मतलब मामा तभी होगा ना जब मम्मी का भाई होगा वो, है ना? तो ये एक्स और वाई है, इनकी क्या है? टी, मम्मी है, और ये पापा है, तो फिर ये आर की क्या हो गई? पत्नी हो गई ना। हाँ, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, टी आर के क्या लगती है, ऐसे बताया था ना ये सवाल मैंने। हाँ, टी आर के क्या लगती है बोलो? पत्नी लगती है क्या? कंप्लीट है। किस किस के गलत हुआ, ये तो हर बार पूछूंगा मैं, इनकी ही गलत हो गया, ये तो गलत बात हो गई। क्या समस्या है इसमें? अच्छा, पत्नी कर दिया, ये तो मैंने बताया था, देखो इसमें गलती होती है, इस कारण मैंने कहा था कि वो क्या लगती है। एक साइड पापा वाला उदाहरण लिखवाया भी था मैंने, ताकि अपन जो परीक्षा में वहां पर गड़बड़ नहीं कर जाए। अब ध्यान रखेंगे ना, परीक्षा में अगर ये सवाल है जो गलत हो जाएगा, बहुत तपड़ा हो जाएगा।
लुप्त संख्या तो बहुत इजी थी, इजी थी ना। 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का भी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 125। कंप्लीट था वैसे ये गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग, इस पे वैसे हल किया होगा सबने। ऐसा सवाल जब आता है ना तो थोड़ा टाइम खा सकता अपना, तो एक तो फटाफट रिएक्ट करना, मतलब फास्ट काम करना अपने को, यानी जैसे 48, 12, 3 और 12 लिखे हुए हैं ना, तो फटाफट लिख लो उनको। पहले क्या लगाना है, प्लस लगाना, ये 42 है, 48 है सॉरी, है ना। और फिर क्या लगाना, हाँ वो फटाफट में ये गड़बड़ भी हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब सही भी होना चाहिए, जल्दबाजी का मतलब ये भी नहीं कि गड़बड़ हो जाए अपना। और आगे क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। 48 और 12 कितने होते हैं बोलो फटाफट, अरे 60 होते हैं क्या, 60 में से 3 जाएंगे तो कितने बचने चाहिए, 57, यहाँ कितने आ रहे हैं 12, इसका मतलब पहला ऑप्शन है जो सही नहीं है। और निशान बनाने, मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं जो वो पेपर पे बिल्कुल कुछ मार्क ही नहीं कर रहे हैं, जितना पेन को पॉइंटेड रख के और काम करोगे ना, जितना वहां पर सिंबल वगैरह बनाओगे, क्रॉस बनाओगे, राइट बनाओगे, कुछ भी ऐसा बोर्ड बनाओगे कि ये मेरे नहीं आया, उतना अपना माइंड है उसको उसमें कम लोड लेना पड़ेगा। वो निशान देख के समझ जाएगा कि इस पे ध्यान नहीं देना, जैसे हमने कोई ऑप्शन है उस पे क्रॉस बना दिया तो दिमाग उस पे बार बार नहीं जाएगा, समझ जाएगा कि ये गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट है उनकी वो प्रोसेस है जो वो चेक करनी चाहिए। देखो 1-2 दिन में पेपर है जो एक एक सब मैं भी देखूंगा ऑफिस की किस तरह से लिखा था, घर पे जाके बहुत सारे कुछ कर दिया होंगे, है ना, तुरंत पेपर के बाद देखना चाहिए था। दूसरा अप्लाई करो, दूसरा का मतलब ये वाली लाइन इनटू है ना, ये शुरू में तो 48 क्या जाएगा इनटू, फिर बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा बोलो, भाजक आएगा क्या 3, फिर क्या आएगा बराबर 12, 48 को 12 से गुणा करो, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, पहले क्योंकि ये भाजक अलग होगा तो 12 हो, 3 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 को 48 से गुणा करोगे तो बराबर 12 थोड़ी आएगा, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, समझ जाओ ऐसे। तीसरा चेक कर लो, 48 बराबर 12 इंटू 3 प्लस 12, सही लिखा गया मैंने, तो 12 को 3 से गुणा करो, 12 36 प्लस करो 12, ये गलत बात है ना, ये मैं बोर्ड से कह रहा हूं इससे, अरे सीट तो है लेकिन इसको गर्मी लग रही है। ये वापस रिस्टार्ट होगा, ये जैसे टेस्ट में अभी बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर गए ना, तो वो जैसे रीस्टार्ट करेंगे अभी एकदम बढ़िया काम कर लेंगे, वैसे ये भी रीस्टार्ट होता है बार बार, वैसे हो गया वो सही है ना। 36 से 12 जोड़ेंगे कितने आएंगे बोलो, अरे कितने आएंगे बोलो, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्लीट है, इतना डोन क्यों बन रहा है, वर्गों के समुच्चय का चयन, ये जिन्होंने सही किया है वो जरूर जबरदस्त बढ़िया प्रयास किया, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा ऐसा था जिसमें इसमें क्या किया ज्यादातर ने, डी वाला, तब तो सही हो गया है सवाल, तब तो सबने बढ़िया किया है, इसका मतलब सब है जो बहुत दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, है ना। ये क्या होगा बाहर वाला दादा, हाँ पुरुष होगा, ये हो गया पुरुष, ठीक बात है, ओके। दूसरा क्या होगा, दादा होगा, और दादा निश्चित रूप से क्या होगा, है पिता होगा क्या, शानदार था क्या, किस किस से गलत हुआ, गलत किन्होंने, जिन्होंने गलत किया है उस सवाल को, दादा के भाई 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 वाला कर दिया हो, भाई वाला कर दिया, नेना ने बहुत सारे सवाल 70 सवाल छोड़ दिए, तुम नहीं नहीं 70 सवाल छोड़ दिए, इसका मतलब तुम जो टॉपर बन सकती थी क्लास की, क्योंकि तुम्हारे नंबर इतने ज्यादा आ रहे हैं, फिर 70 सवाल तुमने किए ही नहीं, मतलब किए वो सारे के सारे सही है तुम्हारे, तो फिर ज्यादा करने चाहिए थे, है ना। नहीं तो रीजनिंग की स्पीड बढ़ानी है, 10-12 दिन का काम यही है तुम्हारे, जिम्मेदारी का काम है ये कि तुम्हें स्पीड बढ़ानी है और सारे सवाल करने हैं, है ना। हाँ ये देखो इधर देखो, अरे महान पुरुषों, देखो पुरुष जो केवल महान है इसका पता लगाना था, है ना। तो सवाल है जो ये अंग्रेजी में आ गया, तो गड़बड़ तो नहीं हुई किसी के, मेल यानी होता है पुरुष, क्या होता है बोलो, पुरुष होता है, ग्रेट यानी क्या होता है, महान होता है, और ह्यूमन यानी क्या होता है, मानव, वो लिखना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये तो क्या इधर उधर से जुगाड़ किया था, तो फिर वो जैसा था वैसा ठीक है, ये 3 शब्द जो वैसे आते हैं अपने को, कोई इतना तनाव लेना नहीं था।
पुरुष होने चाहिए, क्या होने चाहिए, केवल महान होने चाहिए, मानव नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें नहीं आने चाहिए, किसमें नहीं आने चाहिए, इसमें नहीं आने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी आने चाहिए और इसमें भी आने चाहिए। तो फिर कौन कौन आ रहे हैं, एक आठ आ रहा है और एक क्या आ रहा है, चार, दोनों को जोड़ो कितने हो गए, बारह हो गए, कर लिया था सब। अब जिसके भी गलत हुआ है हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो। हाँ, क्या समस्या हुई? तो देखो, अवेयरनेस इसी को तो कहते हैं। एक शब्द होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या बोलते हैं शब्द, क्या है ये, प्रेजेंस, प्रेजेंस, जैसे भी अंग्रेजी में लिखते होंगे, अपने उससे लेना देना नहीं है, अपने तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। इसको लिखते हैं ऐसे, प्रेजेंस ऑफ क्या लिखते हैं, माइंड लिखते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। जब हम पेपर दे रहे होते हैं, कोई भी पेपर हल कर रहे होते हैं, उस समय हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि दिमाग है जो वही ठिकाने रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो भी सवाल हल कर रहे हैं, हमारा दिमाग अगर वहां पर नहीं है तो फिर हम ज्यादा सही नहीं कर पाएंगे। एक तुम नहीं आए थे कब, क्यों, कहाँ गए, ननियाल गए, नहीं ऐसे तो नहीं है कि मैं जो मैं क्यों दूं पेपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नंबर कम आ रहे हैं फिर भी जो पेपर दोगे कहीं ना कहीं वो तुम्हारे नॉलेज में एड ही होगा, मान लो। ऐसे नहीं कि मैं पेपर देके आया जो 200 क्वेश्चन तो भूल गया, आप जिंदगी भर कभी याद ही नहीं आएंगे, वहां से कोई ना कोई नई चीज ही हम, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम रहेंगे वहां अनुभव आएगा अपने को, है ना। और वो अनुभव है जो बहुत कीमती है। कोई औसत विद्यार्थी है उसको जिंदगी में सफल होना तो उसको यही टेक्निक अप्लाई करनी है। अपने जितने स्टूडेंट है ना उनमें शुरू के टॉप 10 स्टूडेंट उठा के देख लेना, मैं जो कह रहा हूँ वो नियम लागू होता है, वो सब औसत विद्यार्थी हैं लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो बहुत प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके बहुत समय तक तैयारी करके अपने आप को ऐसा बना लिया। और ऐसे भी नहीं है कि जो अभी से तैयारी शुरू की है तो वो पीछे रह जाएंगे, नहीं रहेंगे, उनको अब समझना, आगे जब रीड वगैरह की आगे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना। वो पेपर के लास्ट में, लास्ट में एक चीज लिखी हुई थी क्या, हाँ क्या लिखी हुई थी, अपने आप को क्या करना है, पर्याप्त समय देना, ठीक है, क्योंकि समय जब दोगे, अपने हिंदी में खूब सारी कहावतें आती नहीं आती कि वो दही नहीं जमता, हथेली पे सरसों नहीं उगती, इसका मतलब यह है कि चीजें हैं जो उनकी एक प्रक्रिया होती है, समय लेती है, और अगर आप समय दोगे तो निश्चित रूप से वहां से रिटर्न मिलेगा, है ना। तो ये तो कंप्लीट है। अब ध्यान देना है प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होने के कारण, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ देखो दोनों बीच में आ रहा, फिर भी अपन अगर छोड़ रहे हैं तो गलत बात नहीं है, है ना। अब तक हमने सवाल किए थे वो केवल एक एक वाले किए थे, अब बस ध्यान रखना। ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे बढ़ जाएं। नीचे दिए गए प्रश्न में तीन कथन और उसके बाद एक दो से अंकित दो निष्कर्ष दिए गए, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना, ठीक है, कल कर लो, हल कर लो। कुछ ग्लू रूलर है, ग्लू यानी क्या होता है, गोंद, ये वो स्टेशनरी से रिलेटेड ग्लू होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं अपन, ये क्या है बोलो, ग्लू, और ये सब है जो केवल कुछ रूलर है ना, कुछ है जो क्या है बोलो, क्या कह रहा, केवल कुछ ग्लू रूलर है, ठीक है, ये हो गया रूलर, तो कुछ हो गया ना, ये ऐसे ही बनेगा। ओके, सभी रूलर घड़ी है, सभी रूलर क्या है बोलो, ये क्या हो गई, घड़ी हो गई, क्लियर है। मैं फोटो थोड़े ऐसे उल्टे पुल्टे बनाता हूँ अपने, जैसे किसी को ज्यादा पसंद है तो डिजाइन बना लेना सही, ठीक है। कुछ घड़ी डेस्क नहीं है, कुछ घड़ी डेस्क नहीं है, मतलब ये डेस्क साइड में लिख दो इसको, कहानी खत्म, नहीं है का, जो भी नेगेटिव बात कर रहा है उसको साइड में हटाओ, ठीक है, जिंदगी में भी और सवाल में भी। कुछ घड़ी निश्चित रूप से ग्लू नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका, बैठ ही नहीं रहा, जब भी निश्चित शब्द यूज कर रहा है साइड में है तो उसको सही नहीं मानना। सभी डेस्क रूलर है, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं है, दोनों ही क्या हो गए बोलो, न तो एक और नहीं दो, दोनों क्या है, गलत है, ये ज्यादातर के गलत हुआ होगा। हाँ, जिन्होंने सही किया बहुत बढ़िया बात है, किन किन के गलत हुआ, ठीक बात है। अब नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर शब्द क्या यूज कर रहा था, निश्चित, निश्चित जैसा तो उसने कुछ कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं है तो गलत है। यहाँ पर भी निष्कर्ष वगैरह है और क्या करना है बोलो, अनुसरण करना है, अनुसरण कर रहा है उसको सही करना है। देखो, बारिश के बिना फसलें अच्छी नहीं होगी, रीजन बता दिया ना, फसल अच्छी चाहिए, क्या चाहिए, बारिश, ठीक है, फसलें अच्छी थी, समझ गए ना, शुरू में क्या था, बस यही काम था, बारिश हो रही थी, खाद की बात ही नहीं कर रहा है, हटाओ इसको, तो केवल एक अनुसरण करता, ये किसी गलत नहीं होना चाहिए था, किसी गलत हुआ क्या, अरे यार ऐसे तो गलत बात हो जाएगी, तो इतने सारों ने गलत किया है, हाँ क्या गलती हुई, क्या किया इसमें, क्या माना, दोनों ही गलत मान लिए, अच्छा दोनों ही सही मान लिया,
देखो खाद की बात नहीं कर रहा, जो बात नहीं कर रहा उसको तो साइड में हटाना है, ठीक है, नहीं कर रहा ना बात, नहीं कर रहा मतलब साइड में हटाना है। और क्या है, और क्या है, तो देखो ना क्या है, फसलें अच्छी थी और फसलें अच्छी नहीं होगी किसके बिना, बारिश के बिना। इसका मतलब छुपी हुई बात क्या है कि बारिश हो रही है इस कारण फसलें अच्छी है, तो पहला तो सही हो रहा है। अब ध्यान रखेंगे परीक्षा में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे वो मिनी निकालते हैं, देखो सीधा साफ साफ ऐसे थोड़ी लिखेगा वो कि भाई बारिश हो रही है फसलें अच्छी हैं इसके बिना नहीं, वो थोड़ा सा तो अपना भी तो दिमाग लगाने के लिए तो रीजनिंग नाम पड़ा है इसका, कि भाई आप दिमाग लगाते हो नहीं लगाते हो, है क्लियर है क्या आप? पीछे आगे बढ़ते हैं, चलो। एक कथन के बाद दो अनुमान है, एक और दो है ना, आपको तय करना है कि कौन सी धारणा है वो नीट है। ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका कारण बताओ। देखे बहुवचन होगा तो डॉट लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, एक वचन है तो केवल सिंपल सा है आएगा। ये है की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आएगा। ये भी वहां परीक्षा में बड़े लेवल के एग्जामों में आता है, जिसमें केवल अशुद्धि ढूंढनी होती है, केवल डॉट की अशुद्धि होती है। हालांकि अपने यहाँ ऐसा लोड नहीं लेना, नहीं आएगा कोई ऐसा प्रश्न। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश से के संपर्क में आने पर विटामिन डी का उत्पादन करता है। शरीर के शरीर है वो किसके संपर्क में आना चाहिए, सूर्य प्रकाश के, ठीक है ना। मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही वह भोजन के माध्यम से न खाया जाए, क्योंकि वो जो कहां से आ जाएगा, सूर्य के प्रकाश से। तो पहला तो क्या हो गया बोलो, सही हो गया। वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है, कहीं कह रहा है कि नहीं कह रहा, बिल्कुल कहीं 1% कोई बात नहीं, नहीं कही ना। इसका मतलब कौन सा सही हो गया, केवल धारणा एक नीत है, मतलब सही ऑप्शन कौन सा था, डी सही था। कंप्लीट है क्या सबका? चलो अगले प्रश्न को देखो, ये सरल था ना, ज्यादा ही सरल हो गया, ये किसी गलत हुआ क्या? शाबाशी, कैसे देवव्रत है, समान है, उसके आगे वाले एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, दो जब आ जाए तो वही तरीका लगाना है, ठीक है। बाकी तो कॉमन लेते हैं लेकिन इनमें यही रहता है। तो एक के बाद ए है, एक के बाद एफ है, मतलब एफ का विलोम क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ किसका पूछा है, एफ का विपरीत, यानी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है ना। क्या गलती हुई, क्या समस्या आई है? अच्छा ये सही है, 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक गन को सभी, इसमें क्या, मैं ये चेक करना चाहता था कि जब कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा तैयारी कर ले तो गड़बड़ करता है, ये किसी गलत हुआ क्या? देखो इसमें ऑप्शन करना था डी, अब बताओ किस किस के गलत हुआ है। आप बिल्कुल ईमानदारी से, भले वो हाथ टूटने लग गया हो ऐसे, तो देखो इतने सारे स्टूडेंट के गलत है, जबकि इसका इजी, सबसे इजी आंसर यही था, क्योंकि जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, सूत्र लगाएंगे, हम तो सूत्र लगाएंगे, हमने इतने सूत्र याद कर रखे हैं, तो सूत्र लगा के और वो गड़बड़ कर दिया, पूरा कर दिया ना गड़बड़। यहाँ पर बात कर रहा था वो तीन फलक की, तो तीन फलक की बात जब भी करता है तो हमने बात कर रखी है पहले, क्या बात कर रखी है बोलो, हाँ क्या बात कर रखी है, एक दो तीन, ये इसको मिला दो इधर, इधर मिला दो, इधर मिला दो, इधर मिला दो, चार पांच छह सात और आठ, कितने फलक होते हैं, आठ होते, मतलब फलक तो जो भी हो, कोने कितने होते हैं, आठ होते हैं, और आठ में ये संभावना बनती है कि उनका जो एंगल है वो उधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, डाउन साइड में रहेगा, मतलब वो उनके जो कितने फलक रंगीन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, केवल आठ के, चाहे उसका 80 सेंटीमीटर हो चाहे 8000 सेंटीमीटर हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां हमेशा आंसर क्या आएगा, आठ आएगा। अब आठ इसमें आठ था ऑप्शन, देखो क्वेश्चन जहां से लिया हुआ आठ था, लेकिन मैंने जहां पूछ के आठ को हटाया, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि वो अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है या नहीं, क्योंकि आठ नजर नहीं आया तो अपने दिमाग में आ गया यार एक्स माइनस वो क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, कुछ कर दो, ऐसा किया गया ऐसे किसी ने? एक बार आपको साथ खड़ा करना, किन किन के गलत हुआ है सवाल, देखो लगभग पूरी क्लास है वो इसमें जो मात खा गई, तो मैं सही सोच रहा था इसका, ऐसा एग्जामिनर भी पांच सात सवालों में करेगा, कितने सवालों में, पांच सात सवालों में, तो अपने को वहां उसके दिमाग के साथ कंपेरिजन करते हुए चलना है ना, अपने दिमाग से ऐसे भागना नहीं है बहुत ज्यादा। आंसर क्या आना चाहिए था, आठ नहीं था तो क्या करना था, इनमें से कोई नहीं, हमको तो उत्तर चाहिए, किसने 64 किया गया या 32 27 क्या गया, 64 किया, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ ये सरल प्रश्न थे कुछ, थोड़ा बहुत सरल भी आएंगे, देखो 5-10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हम स्पीड से निकल जाएंगे। इसमें क्या पुस्तक है, उसमें क्या होते हैं बोलो, पृष्ठ होते हैं, तो क्या सही किया, कार में क्या होते हैं, टायर होते हैं, सही बात है ना, बाकी और कोई मैच ही नहीं कर रहा था, ऐसा सेम मैच करना चाहिए, रिंगनिंग तार किंग का मतलब यही है, किसी ने गलत किया क्या? ओके नीचे कर लो, आप नीचे कर लो। हाँ यहाँ पर तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली और दूसरी है ना, ऐसे चेक करना था अपने को, तो बहुत आसान सवाल रहे, इन दोनों का प्लस माइनस किया गया, 90 में से माइनस किया कितना, 31, कितना बचा 10 में से 1 गया तो 9, और इधर 8 में से 3 गए तो 5, मतलब कितना,
59 का अंतर है तो 43 में कितना जोड़ दो, सीधे 59 जोड़ दो, क्या करता है देखें, 3 और 9 कितने होते हैं 12, एक इधर जोड़ दिया, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 102 ऑप्शन में देखो देखें, हाँ तो हो गया सही, कर लिया था ये तो, है ना, कठिन नहीं था, बिल्कुल सरल था। गलत हुआ क्या? हाँ ठीक ठाक गलत हुआ, राम स्वरूप के गलत हुआ, क्या किया तुमने ऐसा, है समझ में नहीं आया, अभी मैंने जो लिखा वो समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे जोड़बाजी नहीं करते हो क्या? सवाल की हमेशा कोई भी कठिन से कठिन सवाल होना है उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना है, बोलो एक बार प्रोटोकॉल फॉलो करना, ऐसे बोलो, अरे हाथ को ऐसे करो याद रहेगा, ज्यादा एक्शन भी लेते हैं बोलते हैं तो याद रहती चीजें, हर सवाल का क्या फॉलो करना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ये सवाल इसकी डिमांड क्या है, जोड़बाजी करो, नहीं आता गुणा भाग करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसके बाद छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल है इसका, तो जोड़ी की उससे काम हो गया है, जोड़ गई ना अभी या बाकी किया, तो जोड़ से नहीं हो रहा था, चलो बाकी देख लो बाकी से हो रहा है। उस शब्द को छांटो जो अन्य से किसी प्रकार से क्या है, भिन्न है। बहुत बढ़िया सवाल था क्या ये, जिसके गलत हुआ तो थोड़ी सी समस्या है इसमें भी, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी था है ना, और बीजगणित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्स वाई कहते हैं, ये आता है क्या, एक्स और वाई मान लो, जेड मान लो, है? अच्छा सीड, सीड मेथ्स, आर्स वाले भी यही कहेंगे सीड मेथ्स, बीजगणित, ठीक बात है। तो देखो ज्यामिति, बीजगणित और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों, त्रिकोणमिति, ये तीनों जो किसका भाग है बोलो, गणित का भाग है, यानी अलग क्या हो गया, हाँ ये मतलब ऐसे मान लो जो भी है ये इनमें सबसे मेन है, ठीक है ना, हाँ। या वो तार्किक क्रम पूछा था हमसे कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ऐसे, तो ऐसे सवालों में क्या ऑप्शन देखना जरूरी है, ऑप्शन जब देखेंगे तब ये सवाल सही जल्दी सही कर पाएंगे अपन। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, उत्तर लेखन, उत्तर पुस्तिका, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र और परीक्षा फार्म, तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, अभी एसईसी का फॉर्म भरा सबने है ना, तो सबसे पहले तो हो गया परीक्षा फार्म, नंबर एक पे आ जाएगा। फिर आपको अब थोड़ी दिनों बाद अभी मिलने वाला जस्ट क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड मिलेगा ये 2 नंबर पे, इसका मतलब सबसे पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा, देखो देखो ऑप्शन में 5 और 3 सी ऑप्शन में है ना, 5 और 3, अब 2 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर कहाँ है, उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी, ओमार सीट, मतलब ओमार सीट पहले देते हैं फिर पेपर देते हैं, पहले ओमार सीट भरवाते हैं हमने से, और फिर क्या आ जाएगा, 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, प्रश्न पत्र मिल जाएगा, फिर क्या है 1 नंबर, यानी फिर आप क्या कर दोगे ओमार सीट में, फिर पेपर मिल जाएगा तो वहां शुरू हो जाओगे लिखना, है ना, सरल था क्या, ये भी गलत किया गया किसी महान ने, ये भारत रत्न के लिए तैयार बैठे आप, भारत सरकार को फुर्सत मिल जाए तो इन पर भी ध्यान दें, है ना, कृपया क्या कर दिया तुमने ऐसा, एक तो कोई ये नहीं कहेगा कि टाइम नहीं था, सबके पास 3 घंटे, ये तो गलत बात है, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाया, ये कहो तुम ऐसे कह रहे हो टाइम नहीं था, मेरा तो चल रहा था घड़ी में बराबर सही चल रहा था, मुझे तो ऐसे लगा कल का दिन की मैं जो एक महीना कहीं बीता के आया हो, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे समस्या होती है, मतलब बहुत ऐसे लगता है कि यार क्या है, सोमड़े की तरह बैठे रहना, थोड़ा कोई क्लास में है जब तो फिर, लेकिन वो परीक्षा है तो परीक्षा में कंट्रोल रखना पड़ता है ना, कब आगे बढ़ जाए, आगे कहाँ बढ़ जाए, आगे ना आगे, चलो ये बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन इसमें करना क्या था, देखो जल प्रतिबिंब देखना था, ये मैंने एक वो पेज से भी हल करने की टेक्निक बताई थी, अगर भाई परीक्षा में कोई कठिन सवाल आ जाए कैसे करना, तो वो पेज है उसको ऐसे मोड़ना है ना, दर्पण प्रतिबिंब में कैसे मोड़ना होता है ऐसे, और जल में ऐसे डाउन साइड में, ठीक है ना, तो अगर करते ऐसा तो फिर कर सकते थे, ऐसे कैसे फोटो यहाँ बनाना था अपने को, है ना, और जो यहाँ है फिर जैसे चल रहा उधर जाएगा, वही है क्या, इस तरह की आकृति कहाँ बन रही है, बस एक थोड़ा सा देखा और काम हो गया, है ना, सी वाला ऑप्शन था सही, हाँ घर पे और चेक, ये किसी गलत हुआ क्या, अरे यार गलत हुआ इसका मतलब जबरदस्त है, सोनिया गलत हुआ है क्यों, मतलब क्यों का मतलब, देखो ये तो गलत हुआ तो हुआ, इसमें क्या है ना, क्यों का मतलब तुम्हें ये नहीं पता था कि जल दर्पण है जो ऐसे बनता, तो फिर तो एक ही बनता है ना, ये तो एक में आ रहा है, बाकी ये तो उल्टी जा रही है, इसमें 2 में तो गलत दे रखा है, एकदम साफ पता चल रहा है, देखो ये है ना, देखो जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, सवाल करने का सबसे शानदार तरीका बता रहा हूं मैं, अरे भवानी शंकर, भवानी शंकर ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रयास किया भाई, है ना, बहुत बहुत काबिले तारीफ है ना, उसका जो स्कोर है एकदम से गया है हाई लेकर, बढ़िया है, उसने अंग्रेजी में जो जहां से नंबर खींच सकते हैं वहां मेहनत की है तो थोड़े नंबर आए, बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो इधर, है ना,
इसका मतलब ये नहीं कि ललित को ऐसे तुम और है? कोई भी दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें क्या ध्यान देना, देखो जो यहां दर्पण के पास में है ना वो यहाँ दर्पण के पास में रहेगा, जो जितना दूर है उतना दूर रहेगा, जो जितना पास है उतना पास रहेगा, ये अपने को ध्यान देना है, बस यही है। ये सवाल हल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। यहाँ पर ये है ना सबसे पास में है ना, तो यहाँ पर सबसे ऊपर यही चेक करना था अपने को। अब वो इधर जा रहा है तो वो इधर ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है, तो इधर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, बस इतना देखना था। अब ध्यान रखेंगे ना, जैसे इसका मान लो कि दर्पण प्रतिबिंब की बात करें हम, ये इस वाला, तो फिर यहाँ पर तीर का निशान आता है, अगली बात समझ में, और ये ऐसे जाता, फिर यहाँ जो भी बन रहा है वो बनता है इस तरह से, मतलब जस्ट ये ऐसे, जो इसके जहां जितना होगा वो इधर पास में होगा उतना ही इधर भी पास में होगा, जो जितना दूर है वो उतना दूर होगा। कंप्लीट आगे बढ़ जाए, ये टेक्निक समझ में आई क्या? परीक्षा में अगर दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का प्रश्न अपन अगर हल नहीं कर पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं उसको, तो भी अपने गड़बड़ होगी ना, वो 3 नंबर बहुत काम के होते हैं। अभी जिनके रैंक है जो वो 30 के बाद आई है, 15 के बाद आई है, उनको पूछ लेना, वो शायद एक प्रश्न से ही आगे पीछे हुए होंगे, हुए ना ऐसे। हाँ, एक ओमार सीट छूट गई थी मनीष की, इस कारण वो शुरू वाले मैंने जो हटा दिए थे, क्योंकि मनीष की जगह मनीष के रोल नंबर किसी और ने भर दिए थे, तो ऑलरेडी किसी और का नाम उस नंबर पे आ गया था, इस कारण उसको वापस थोड़ा चेंज करना पड़ा, चेक करना पड़ा। तुमने देखा होगा रोल नंबर तो मिल गया होंगे वहां, है ना, लेकिन नाम तुम्हारा नहीं था, तो फिर वो बाद में ऐड करना पड़ा, लेकिन ठीक है, अब क्लियर है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, आकृति का एक सवाल आएगा, गारंटी है, बढ़िया प्रैक्टिस करके जानी। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, वृत्त वाला सवाल है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसमें तो राउंड देखने होते हैं जो वो हो जाता है, बाकी दो तीन है उनमें ध्यान देना होता है। इसमें जो आंसर देख लेते हैं, चलो हल कर लेते हैं पूरा, है ना, पहले तो क्या काउंट करते हैं अपन, सिंगल, है ना, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, सिंगल कितने हैं बोलो, 8 है। अब डबल से कितने बन रहे हैं उनको लिख दो साइड में, तो डबल से बन रहे हैं देखो, एक बन रहा है क्या, ये बन रहा है, दो हो गए, फिर ये 3 हो गए क्या, 4 हो गए क्या, और बन रहा है ये 5 हो गए, 5 हो गए क्या, 5 लिख दो। 3 से कितने बन रहे हैं फटाफट ढूंढो, ये बन रहा है क्या, एक ये भी बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, 1 2 3, ये तो 4 का है ना, 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो 3 के कितने बने, 2 बने क्या, हाँ तो 2 बने तो 2 लिख दो ना, बात खत्म है। अब ये बन रहा है, ये मतलब इसका मतलब हो गया, ये वाला पूरा भाग, इसको पूरे को मिलाएंगे तो कितना बन रहा है, 4 से 1 बन रहा है ना, और 1 पूरा है क्या, ओवरऑल, ओवरऑल है यानी कि पूरा, पूरा लिख दो इसे, पूरा है वो भी 1 हो गया, जोड़ दो इनको, कितने हो रहे हैं, 17 हुए, एक कहाँ छूट गया, नहीं छूट गया भाई, कहाँ छूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्या, अरे यार ये 3 वाला, 3 वाला लिखा ही नहीं था यार, कहीं गड़बड़ कर गए, ये वाला छूट गया ना, हाँ तो 3 वाले में यहाँ जाएंगे 3, जोड़ लो 8 और 5 13 और 3 16 और 17 और 18, कंप्लीट है क्या। लेकिन देखो जोड़ बाकी, मैंने भी गलती कर दी, अगर यहाँ 17 ऑप्शन होता तो मेरे गलत हो जाता, लेकिन 17 नहीं है, 17 नहीं है, इसका मतलब सही क्या है, 18 है। पूरा ध्यान देंगे अच्छे से, ऐसा सवाल है ना उसमें देरी की आवश्यकता होती है, पेशेंस रखना है, आराम से एक एक को साइड में सोचना है, उसको लिख के और जोड़ना है। देखो इसमें बराबर संख्या में गाय वाले, अब जिसने भी यूट्यूब पे वो देखा था तो उसने तो सीधे टिकाए होंगे चुपका, है ना, कौन कौन ऐसे है जिन्होंने सवाल हल नहीं किया, सीधे चुपका लिखे, इसमें हाथ खड़ा करो पूरा यार, शाबाश दूंगा मैं। हाँ कौन कौन है जिनके गलत हुआ, गलत गलत, तो इसका मतलब वहां मैंने सवाल जब अपलोड किया था ऐसा है, ललित का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसी ने पूछा था, है ना, तो पूरा वीडियो बना के भेजा भाई, वो क्लास में नहीं आ रहा था इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी था कि वीडियो बना के भेजा तो ठीक रहेगा, है ना, क्लास नहीं देखी ना, हाँ तो दिखा दिया चुपता और काम खत्म, है ना, चलो ये हल कर लेंगे एक बार। अब ये क्या कह रहा है, देखो गायों और ग्वालों के बराबर संख्या, गायें और ग्वाले कैसे हैं बोलो, बराबर है, मतलब आप जो मान लो, देखो गायों की संख्या क्या मान लो, गायों की संख्या, तो गायों की संख्या मान लो आप कितनी, एक्स मान लो, तो ग्वालों की संख्या भी कितनी होगी बोलो, अरे क्यों होगी बोलो, क्योंकि ये किसमें है, बराबर संख्या में है, ठीक है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुणा से 28 कम थी, पैरों की संख्या, तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 या 5, 4 होते हैं, और ग्वाले के कितने होते हैं, 4, 2 होते हैं, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, तो इनकी जितनी भी संख्या होगी उससे क्या गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बराबर है तो 6 गुणा हो जाएगा उधर, सही बात है क्या। और सिरों की संख्या कितनी होती है, अरे ये 6 कैसे हुआ जो पता चला ना है, क्योंकि 4 1 के और प्लस 2 है जो ग्वाले के, ये गाय के, ठीक है, इस कारण 6 से गुणा कर रहे हैं, सिर है जो 2 हो जाएंगे, एक्स एक उसका और एक उसका, तो वहां सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, देखो
पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना से 28 कम थी। इसका मतलब 6x बराबर क्या होगा, 2x माइनस क्या है, 2x है उसको 4 से गुणा करना, 4 गुणा से कितनी कम थी, 28 कम थी, तो माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 28 माइनस हो जाएगा, तो 6x तो 6x रह जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x, और माइनस कितना है, 28 है, तो 6x इधर 8x इधर ले आओ, तो ये बच्चा अपने पास 6x और 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, हाँ, और बराबर माइनस के क्या बच गए, 28, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2x, इधर माइनस के 28, कितना x बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटे हुए क्या हो जाएगा, 2, 2 का भाग दिया 28 में कितने आए, अरे बोलो माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना, ये इधर का माइनस और इधर का माइनस कट जाएगा, तो संख्या आनी चाहिए थी कि अपनी शुद्ध आनी चाहिए थी। ऐसा कोई भी सवाल जिसमें मैथमेटिकल अगर हमें कोई संक्रिया करनी पड़ रही है, हमेशा उसमें एक्स वाई मान लो ज्यादा फायदे में रहोगे, वो तरीका लगाओ सीख जाओ, नवी दशी में हो सकता है कि उन सवालों को हल करने थोड़ा ऐसे लगता हो, लेकिन अब सीखना है, ठीक है ना, ये जिनके गलत हुआ एक बार वापस हाथ खड़ा करो थोड़ा, शाबाशी एक बार और दे देता हूँ मैं, हाँ बहुत बढ़िया है ना, शाबाश, अब सही कर लेना, ठीक है, अब गलती स्वीकार कर लेने की, हाँ यहाँ मेरे से ये गलती हो रही थी, अब मुझे क्या करना है, बढ़ जाएगा आगे। इस समय अशोक की आयु तथा ललित की आयु का अनुपात 4:3 है, देखो अशोक और ललित को एक साथ मिक्स कर दिया, थोड़ा ठीक रहा ना, कम से कम वो तो रिलेट कर पाएंगे कि यार अपने कितना अंतर है। 6 साल बाद अशोक की आयु कितनी साल हो जाएगी बोलो, 26 हो जाएगी, तो ललित की आयु कितनी है ये पूछा है। अनुपात वाला जैसे ही आता है क्या मानना है, मतलब गुणा किससे हो जाएगा, अनुपात x से, ठीक है, तो यहाँ हो गया, देखो सबसे पहले ये अशोक की बात कर रहा है, अशोक की बात कर रहा है ना, हाँ, तो अशोक की उम्र क्या हो जाएगी, देखो अशोक का नाम पहले आ रहा है, अशोक का पहले आ रहा है, इसका मतलब 4x, ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद, यानी प्लस क्या कर दो, 6, कितनी हो जाएगी, 26, तो बराबर क्या हो गया, 26। अब ये समीकरण कैसे बना, समझ में आ गया, जो उसने कहा वो काम हमने कर लिया, बस केवल अपनी तरफ से क्या ऐड किया, x, ठीक है, तो यहाँ हो गया 4x बराबर 26, ये 6 उधर चला जाएगा, जो समान है उधर भेज दो, तो माइनस 6 हो गया, 4x बराबर 26 में से गया तो 20, तो 4 नहीं, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे हुए 4, यानी x का मान कितना आया, 4 का भाग कितने बार जाता है, 5 बार, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ललित की उम्र पूछ रहा है, तो ललित अभी कितने अनुपात में आ रहा है, 3 में, 3 को x से गुणा कर दो, मतलब 3 × क्या हो गया, 5, कितना हो गया, 3 × 5 = 15, कितने साल का है, 15 का है, बात खत्म है, क्या हो जाएगा बोलो, 15 वर्ष सही हो जाएगा, कर सकते थे इसको, ये जिनके गलत हुआ आप करा दो, ज्यादातर ने जो ठीक ठाक कर लिया था इसको, प्रयास करते तो हो जाता। अब एक और तरीका बताता हूं मैं, देखो ऐसा कोई भी सवाल है ना, जैसे आयु का अनुपात का है, तो वैसे 2 संख्या ही नहीं दे रखी है, बाकी अपन जो देख सकते हैं 3 है वो 15 मान रहे, तो 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे भी देखा जा सकता था, और 6 साल बाद यानी 26 हो रहा है, तो वो सही बैठ रहा था, है ना, सो एक ऑप्शन है, उसको सही मान के भी हल किया जा सकता था। अब समझ में आ गया क्या, एक्स मान के कैसे हल करते हैं, जो प्रियंका को समझ में आया, आया समझ में, प्रियंका को पता है क्या, ये बहुत किस्मत वाली है, मतलब लक्की है, एक तो किस्मत भी, कल स्टूडेंट भी आई थी एक टेस्ट देने, नाम उसका किस्मत था, जबरदस्त मार्क, अब बताओ कैसे हो, इसको नहीं पता है, पता चलेगा जब 12वीं बाद एग्जाम दोगी तब, ठीक है, बाकी समझ गए होंगे कि कैसे है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनके 12वीं एग्जाम देने के बाद उनको पता चलता है कि एक्स भी होता है, कोई वाई भी होता है, और ये देखो अभी 11वीं में नहीं आई है, 11वीं में आई है, मतलब अब एडमिशन होगा ना 11वीं में, 12वीं में होगा, है ना, तो एक साल पहले इसको पता चल रहा है, तो बढ़िया बात है, तब तो थोड़ा सीरियस रहो, मैं तो अभी 11वीं मान रहा था, कम लकी हो गए, थोड़ी सी कम, अब मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है, चलो लाल मणि में क्या है, लाल है तो नीलमणि में क्या है बोलो, नीला, आराम से किया होगा, ये किसी ने गलत थोड़ी किया, कूटूंगा उसको तो मैं, अगर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया, कुत्ता रेबीज, कुत्ते से क्या फैलता है, रेबीज फैलता है, तो मच्छर क्या फैलाता है बोलो, मलेरिया फैलाता है क्या, तो मलेरिया से बचने के उपाय सरकार करती रहती है ना, खराब वो पानी भर के नहीं रखना चाहिए, लार्वा है उसमें कुछ ऐसे ध्यान रखना चाहिए, है ना। 6 लड़के हैं, क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर मुआ करके एक घेरे में बैठे हैं, किसमें बैठे हैं बोलो, घेरे में बैठे हैं, मुकेश राजेश, 6 है कुल, तो 6 संख्या है, इस तरह से बना सकते हैं अपन, है ना, और मुकेश राजेश के बाईं ओर है, कहीं पे भी एक जगह राजेश को बिठा दो, जैसे ये बैठ गया कौन, राजेश, यहाँ बैठ गया ये, कहाँ कर रहा है, मुकेश राजेश के बाईं ओर है, बाईं ओर का मतलब इधर बैठेगा ना, क्योंकि सामने देख रहे हैं, तो यहाँ बैठा है कौन, मुकेश बैठा है, ठीक है, हाँ मुकेश बैठा है, और आगे क्या है,
नरेश कमलेश और विकास के बीच में है। नरेश कहाँ बेटा बोलो? कमलेश और विकास के बीच में। अभी कोई नाम नहीं आया तो उसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ जाओ। महेश मुकेश और कमलेश के बीच में, यहाँ मुकेश का नाम आ रहा है तो महेश बेटा, देखो कौन बेटा है? महेश। किन किन के बीच में? मुकेश और कमलेश, तो यहाँ कौन आ जाएगा? कमलेश। और वापस देख लो, अब वो जो लाइन कह रहा है वो लागू हो रही है ना इस पे, देखो महेश मुकेश और कमलेश के बीच में बेटा, क्लियर है? फिर क्या कह रहा है बताइए कि विकास के बाई ओर कौन है? तो एक सूचना पहले थी उसको देख लो, नरेश कमलेश और विकास के बीच में है। और उससे पहले है क्या? नरेश कमलेश और विकास, कमलेश है नरेश, नरेश बैठा है यहाँ है ना, और किसके बीच में बैठा है? कमलेश और विकास के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा नरेश, यहाँ आ जाएगा कमलेश, पहले आ गया, और यहाँ कौन आ जाएगा? विकास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बताइए कि विकास के बाई ओर कौन बैठा है? बाई ओर का मतलब इस तरफ, तो कौन बैठा बोलो? राजेश। क्या होना चाहिए था? ए ऑप्शन। हो गया सही, सबका ही सही हुआ क्या? गलत हुआ क्या किसी का? ये आज की बहुत खतरनाक प्रैक्टिस हो गई, जैसे आर्मी वाले प्रैक्टिस करते हैं वैसे, हैंड अप डाउन ऐसा, हाँ लेफ्ट राइट वाली प्रैक्टिस हो गई, किसी का गलत नहीं हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। एम प्लस एन का अर्थ है एम एन का पिता है, एम माइनस एन का अर्थ है एम एन की पुत्री है, एम इंटू एन का अर्थ है एम एन का पुत्र है, एम भाजक एन का अर्थ है ये एम एन की पत्नी है। अभिव्यक्ति डी एफ जी में डी का जी के साथ क्या संबंध है? तो जो माइनस प्लस है ना उसका आगे पीछे में क्या संबंध है वो देख लो। देखो सबसे पहले डी लिख दिया हमने, ठीक है, और उसके बाद है माइनस, क्या है? माइनस, फिर क्या है? एफ है, फिर प्लस है जी। ठीक है, तो माइनस से पहले जो होता है वो क्या है? माइनस वाला देखो, देखिए एम एन की पुत्री है, इसका मतलब डी क्या है बोलो? पुत्री है, तो इसका मतलब ये या तो होगा पिता या होगा माता, ठीक है, होगी। ओके, प्लस का पहले माइनस, तो बाद में क्या है? एम एन का अर्थ है एम एन का पिता है, तो ये माता नहीं है, क्या है बोलो? पिता है, तो ये क्या है बोलो? या तो पुत्र है या क्या है बोलो? पुत्री है। ठीक है, अब इसमें डी का जी के साथ मतलब ये दोनों क्या है? भाई बहन हो गए क्या? हाँ, तो भाई बहन वाला ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन है एकदम कंप्लीट है ना, कर लिए गए सबने, पेपर कार्ड वाला, हाँ पेपर रखना चाहिए पास में। ठीक है, जैसे आज पेपर हुआ तो एक दो दिन तो वो अपने आस पास ही होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया है। और सबको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ ऐसे बना दिया पेपर दे दिया, हर सवाल में जो टीचर जिसको मतलब उठाते हैं कि यहाँ से मैं सवाल देता हूँ, उन चीजों को इसमें शामिल किया मैंने, मतलब इस पेपर को एज ए नोट्स मान के चलो, इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने को नहीं आता, उसके आसपास ही परीक्षा में सवाल आएगा अपने उस यूनिट का, ये चीज है देख लेना। पेपर तो क्योंकि होगा गारंटी है, और 30 तारीख को अपन वापस मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मतलब 30 तारीख को तो 5 बज जाएगी तो नहीं, लेकिन 1 तारीख को है ना, 1 जुलाई हो जाएगी क्या? हाँ कुछ तो ऐसे होंगे जो गायब हो जाएंगे, कौन कौन होंगे पता है ना, पिछले साल कौन हुए थे गायब, अभी तक उनका कोई बड़बड़ा उठने का हम तो जानते हैं, हाँ कुछ पता ही नहीं है कहाँ गए, किस दुनिया में गए। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इधर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अपन क्या क्लास के उस मूड में आ जाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ए बी फिर क्या आएगा? सी बी ए सी बी है ना, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, हो रहा है क्या ऐसे? तो लास्ट में डबल ए आना चाहिए, केवल एक में ही है तो ये है। अब बंद कैसे रहा देखो, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, और ए बी आगे होता तो सी बी हो जाता, एकदम कंप्लीट बन रहा है ना, कर लिया गया सबने, किसी गलत हुआ क्या? अब तो गलत वाले हैं तो हाथ खड़ा करने ही बंद कर चुके हैं, आराम से रुक गया समस्या है इसमें। अरे तो मुझे कहना चाहिए था ना यार, वहां अंतिम रूप से मैं हूँ जिम्मेदार, नहीं पेज अपने पास खूब सारे थे यार फोटोकॉपी वाले, गड़बड़ कर गए। चलो आगे आगे, यदि काऊ सी डब्ल्यू हो 13 तो काऊ का मान क्या होगा? ये सवाल है जो अपना ऐसा मतलब क्लास में जो बहुत बार बात कर चुके हैं, इस कारण शब्द सही हो गया होगा। इसमें क्या करना था? हर संख्या में 13 का भाग देना था, जैसे 272 है, क्या करना था? 13 का भाग देना था, 13 दूनी क्या होता है? 26 होता है, एक बच्चा 12 नहीं जा रहा भाग, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका उत्तर नहीं होगा, भाज्य का मतलब ये होता है भाग देना। दूसरा 195 था, 195 में 13 का भाग दो कितने बार गए? एक बार है ना, और 19 में से 13 घटाओ कितने बच गए? 6 बच गए, इधर आ गए 5, 13 पंजे 63 पूरा भाग जा रहा है क्या? इसका मतलब उत्तर क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन। अब कुछ विद्यार्थी हैं उनको लगेगा गणित का ऐसे कैसे दे दिया, तो दे सकता है भाई, उसके पास है जो पूरी परमिशन है, एग्जामिनर है जो वो अपने को कहीं भी प्रश्न पूछ सकता है इधर उधर घुमा के। अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों का ही विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाई ओर से 23वें के बाएं, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा सवाल है ना
इसमें क्या अपना थोड़ा मेहनत करने का काम है बस, क्या करना है एबीसीडी लिखनी, और एबीसीडी तो अपन कब से लिखते आ रहे हैं, प्रथम पूर्वार्ध है उसको भी उल्टा लिखना, तो उल्टा लिखना अगर किसी को नहीं आता जैसे एम और उसमें क्या आता है तो इधर लिख दो ऐसे लिखता जाओ, तो ऐसे शुरू कर दो क्या आ जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम पे क्या होता है क्या 13, ठीक है। फिर क्या कर रहा है उत्तरार्ध को भी विपरीत क्रम में लिख दो, तो एन यहाँ लिख दो अपने क्या है ना एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, X, Y और Z, ठीक है। ये पूरा का पूरा सवाल जो कह रहा है वो काम कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है वो दाईं ओर से, ये दाईं ओर होगी क्या, हाँ ये दाईं है ठीक है, दाईं ओर से 23वां अक्षर, तो ये 26वां है, ये 25वां है, ये 24वां है, ये 23वां, कौन सा है 23वां के दाईं ओर 7वां। अब इसके दाईं ओर मतलब इधर जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, क्या आना चाहिए था बोलो, सी आना चाहिए था, बी ऑप्शन है इसमें सही है। ये जिन्होंने गलत किया है वो अपने आप को पहले शाबाश दे, हाँ शाबाश है ना ऐसे, अब हाथ खड़ा करो, मुझे पता चलना चाहिए मुझे भी किनको शाबाश देनी है, एक बार और शाबाश है, नीचे कर लो हाथ। इसमें कहां समस्या आई, मतलब सवाल पूरा एकदम कंप्लीट कर रहा है कि पूर्वार्ध है उसको उल्टा लिखो, उत्तरार्ध है उसको उल्टा लिखो, एबीसीडी सबको आती है, गिनना सबको आता है, दाईं तरफ कौन सी बाईं तरफ कौन सी, एकदम आसान काम था। अब कर लेंगे कैसे, अरे बोलो पीछे भावना क्या किया तुमने इसमें, हाँ इसमें ऑप्शन, ये बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है ना, अब ध्यान रखेंगे ठीक है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि इस तरह का आपने संभावना हो सकती है सवाल गलत होने की, ध्यान रखेंगे। ये शब्द कोश वाला किसी के भी गलत नहीं होना चाहिए, सबको बहुत अच्छे से बता रखा है ना, बता रखा है ना। देखो इसमें सी से पता नहीं चलेगा, आई से नहीं चलेगा, एन से नहीं चलेगा, तीन तो कॉमन हो गए। अब इनके बाद अपने को चेक करना था, या सी आ रहा है या एन आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है, एन है, सबसे पहले वाला कौन सा हो गया सी हो गया, तो पांच तो पहले पे आएगा, मतलब ये नहीं है ये नहीं है ठीक है। और वो विपरीत क्रम भी दे देता है कभी कभी, ये ध्यान रखना, उसने आगे विपरीत लिख दिया तो इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना अपने को। बहुत अच्छे से दिमाग हुआ एकदम प्रॉपर सवाल को पढ़ के और काम करना। फिर सी के बाद क्या आता है, डी आता है क्या, ये दूसरे पास जाएगा, तो पांच के बाद दो आना चाहिए, पांच के बाद दो तो आ रहा है। फिर डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ये तीन है जो तीसरे नंबर पे आना चाहिए, यार ये बीमारी है ये बारी, चलो वो तो निशान बनाई जो तो हट गए है ना, इधर उधर चले गए, लेकिन समझ में आ रहा है सब। देखो यहाँ पर सी आ रहा था, इस कारण ये कौन से नंबर पे आ गया, पहले पे आ गया था, कौन से पे आ गया बोलो, ये पहले पे आ गया था। फिर ई आ रहा था, इस कारण ये नहीं, डी आ रहा था, ये दो नंबर पे, ये आएगा तीन नंबर पे, तो पांच दो तीन, पांच दो तीन कौन से ऑप्शन में थे, हाँ डी वाले में थे, तो बस ये सही है, कंप्लीट है क्या, हाँ। और रमेश और सुरेश पीछा छोड़ ही नहीं रहे अपना, वापस आ गए देखो इधर भी है ना, बहुत बढ़िया सवाल था ये। और प्रातःकाल देख रहे हैं आमने सामने, सुरेश के दाईं ओर, प्रातःकाल का मतलब सूर्य है ना, तो इधर सूर्य है भाई, क्या है बोलो, सूर्य है ठीक है। ये अपने जब दिशा बनाते थे ऐसी बनाते हैं क्या, तो ये सूर्य है। अब छाया किधर आएगी, कोई भी व्यक्ति जैसे यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ खड़ा है, तो छाया किधर पड़ेगी उसकी, इधर पड़ेगी, तो इधर किस उसका क्या है, दाया है, तो जैसे मुझे मान लो इधर पूर्व से आ रही है तो मेरी छाया इधर है, तो ये मेरा कौन सा हाथ हो गया, दाया ठीक है। अब मैं किस तरफ देख रहा हूँ, सुरेश का मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, उत्तर में, हाँ तो इधर क्या, अरे ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो, और मैं यहां खड़ा हूं तो सामने देखूंगा दक्षिण है ना, कंप्लीट था नहीं है, तो गलत जिनके हुआ वो भी थोड़ा बता दो कि भाई दिशा परीक्षण में समस्या आती है, तो इसमें तुमने क्या किया, पूजा ने उत्तर कर दिया, वो तो बाई हो जाएगी, पश्चिम कर दिया, अरे मैं इसके अनुसार कह रहा था, वो कुछ को लग रहा होगा कि दक्षिण तो इधर होगा ना, इधर बताओ ना आप, जब हम इसमें पूर्व उधर बांध रहे हैं तो अपने को उस हिसाब से चलना है। अब समझ में आ गया ना क्या करना है, समझ में आ गया, अपने आप को इमेजिन ही कर लो, जैसे मैं पूजा नहीं हूँ, सुरेश हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं है जो इधर से का मतलब एक्चुअल में सूर्य किधर उदय होता है, इधर से है ना, इधर होता है क्या, इधर होता है, किधर होता है, अरे इधर ही तो होता है, तो मेरी छाया इधर है तो मेरा बहुत इस हो गया दक्षिण में हो गया, सीधी बात है ना, आराम से कर सकते हैं, दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं।
25 जून 95 को शुक्रवार, क्या था? शुक्रवार। तो अक्टूबर माह में कौन सा बार 5 बार आएगा? बहुत सुपर हिट सवाल है, इसमें क्या बार नहीं, वो तिथि नहीं दे रखी, बार पूछा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? यहाँ 5 जून 95 दे रखा है ना, अपने को क्या करना, 1 अक्टूबर 95, कब? 1 अक्टूबर 95 को ज्ञात करना पड़ेगा वार कौन सा है। फिर वही वार है जो जो एक को है वही कितने तारीख को आएगा, 7 को आएगा, वही कितने तारीख को आएगा, 14 को आएगा, वही 21 को आएगा, वही कितने कितने तारीख को आएगा, 28 को आएगा। तो कितने बार हो गया ये, 1 2 3 4 5, 5 बार हो जाएगा। एक को जो आएगा वो गारंटी है 5 बार आएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर होता है, 31 होता है मतलब 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला और 31 वाला, इतने दिन है जो 5 बार आ सकते हैं। जो एक को आएगा 2 3 और 4, ये क्योंकि वो सेम आगे बढ़ जाएगा एक एक, है ना। तो इनमें से कोई सा भी एक ज्ञात करना था अपने को आ जाएगा। तो 25 जून है ना, तो ये हो गया जून। जून के कितने दिन काउंट करें, 25 को हटा दो, कितने दिन बचे, 5। जुलाई के कितने बचे, 3। अगस्त के कितने बचे, 3। सितंबर के कितने बचे, 2। अक्टूबर का 1। सही है ये कैलकुलेशन, किसी को नहीं आ रही हो तो पूछ लेना। देखो ये क्योंकि चीज छूट रही है, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, अब अपन काम करेंगे। देखो एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत अच्छे से काम करना आपने, ये पता चल गया। मैंने पेपर में जानबूझ के प्रश्न ऐसे डाले ताकि थोड़ा सा वहां स्ट्रेच करके आए, क्योंकि हम क्या जो इजी होता है उसको हल्के में लेते हैं, जैसे सब मुझे हल्के हल्के में लेते नहीं लेते, लेकिन जो जिसका बहुत मतलब वो होता है ना वो फिर गड़बड़ भी कर जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर सीरियस नहीं लिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां कितने क्वेश्चन होते हैं, 50। 50 को गुणा करो 3 से, कितने नंबर आते हैं, हाँ सीधा मामला 150 का है, तो उसको बहुत सीरियस लेना है। तो अपन रीजनिंग वगैरह खूब पढ़ चुके हैं, इस पे कम ध्यान देंगे, उधर ज्यादा ध्यान देंगे, जीके वगैरह है जो भी हिंदी अंग्रेजी है उस पे, तो थोड़ा सा इसमें खुद की सेल्फ प्रैक्टिस हो सकती है। अभी ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जोड़ो इनको कितना हो रहा है, 14 हो रहा है क्या, अरे 1 और 2 3 3 6 3 9 और 5 14, ठीक है। तो 14 है इसका मतलब 7 का तो बराबर जा रहा है, भाग बराबर जा रहा है, मतलब वापस वार कौन सा आ गया, शुक्रवार ही आ गया। तो शुक्रवार 1 अक्टूबर को भी होगा, फिर 7 को होगा, 14 को होगा, 21 को होगा, 28 को होगा, अगर इनमें ऑप्शन में शुक्रवार है तो वो सही है, नहीं है तो क्या सही है, शनिवार हो जाएगा, क्योंकि उसके अगले दिन यानी 2 तारीख को जो शनिवार आएगा तो शनिवार हो गया। अब शनिवार का मतलब रविवार भी सही है, सोमवार भी सही है, तो वो ऑप्शन होंगे ही नहीं, देख लेना, नहीं है ना, हाँ तो हो गया ये सही। अब ये सवाल है जिनके गलत हुआ हुआ खड़ा, बहुत आराम से सही कर सकते थे अपन इसको, है ना। क्या समस्या है तुम्हारे, तो फिर सवाल समझने का प्रयास ही नहीं किया तुमने, हाँ थोड़ा हलचल हो रही है तो मुझे याद आया, पानी पी सकते हैं ना। आगे बढ़े क्या, अरे ये समझ में आ गया सबको, अब कर लेंगे ना ऐसा, कोई भी सवाल आएगा तो 8 बजे का समय दर्शा रही है घड़ी में, अपराह्न 2 बजे घंटे की सुई कितने अंश घुमाएगी। देखो किसका पूछा है, घंटे की सुई का, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, अपने पटर का पहले 30, कितना घूमती है 30, 1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री, तो 1 घंटे में 30, तो 30 डिग्री हो गया। अब इसका टाइम जोड़ दो, 8 से कितने बजे तक, 2 बजे तक, तो 8 से बजे की 9 10 11 12 1 और 2, 6 घंटे, कितने घंटे हो गए, 6 घंटे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसे, 6 से, तो 6 तरीक कितना होता है, 180 डिग्री, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये किसी ने गलत किया है ना, तो मेरे साथ भी गलत किया उसने, किसी गलत हुआ के नहीं हुआ ना, अब उसको लगा कि मैं गलत कर दूंगा, तो यार ये सवाल हमने कितनी बार बात कर रखी है कि भाई ये डिग्री ऐसे गुणा करके निकाला जाता है, 7 वर्ष बाद विराट किया, इस सवाल में जरूर थोड़ा सा मामला अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो में देख रखा था तो उसके हो गया होगा, बाकी इसमें जरूर अटके होंगे, अटके हैं ना, तो अब मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, इसको समझ लेना, ठीक है। अब से 7 वर्ष बाद विराट की आयु मोहिंदर की आयु की दुगुनी हो जाएगी, ठीक है, कितने साल बाद, तो वर्तमान क्या मान लो, विराट की तो क्या है बोलो, एक्स, अरे बोलो हाँ, या अनुष्का, एक्स मानना है, ठीक है, क्या मानना है बोलो, एक्स मानना है, और मोहिंदर की क्या मान लो, अरे बोलो, उम्र मानने के लिए कह रहा हूं मैं, हाँ मोहिंदर की उम्र कितनी है, वाई वर्ष है, ठीक है, वाई वर्ष है। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का मतलब विराट की उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 7 हो जाएगी, ठीक है,
विराट की आयु मोहिंदर की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मोहिंदर की आयु कितनी रहेगी? 5+7, और उसका क्या हो जाएगा बोलो? दुगुनी का मतलब समझते हैं ना, डबल हो जाएगी। तो एक्स प्लस सात बराबर क्या हो गया? 2y+14। समझ में आ गए? अब पक्षांतरण कर लेंगे तो इधर क्या हो गया, एक्स बराबर 2y, है ना, 2y और प्लस 14 -7। हल करो इसको, क्या जाएगा x का मान? x का मान आ गया x बराबर 2y+7+7, ये x का मान आ गया। अब ये प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी 10वीं क्लास में, है ना, कि x का मान उधर समीकरण दो में रखने पर वही समीकरण दो में रखना पड़ेगा यहां में। अब दूसरा आगे क्या कह रहा है आपने, पांच वर्ष पहले का मतलब x माइनस पांच, है ना, 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु, मतलब मोहिंदर की जो भी उम्र थी, विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो मोहिंदर की आयु 5 वर्ष कितने आ जाएगी? y-5 बराबर क्या है आगे? विराट की आयु हो जाएगी 5 साल पहले x-5। समझ में आ रहा है, है ना, उसका 2/5 गुना कितना बोलो? 2/5 गुना से कितनी कम है? 1 कम है। इसको हल कर लो, बस हो जाएगा सवाल। y-5 बराबर x को 2 से गुणा किया 2x, और -5 को गुणा किया जो -10, बटे हुए क्या आ गया बोलो? 5 आ गया, माइनस क्या है? 1। जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो क्या करना पड़ता है? लघुतम लेना पड़ता है। आराम से लघुतम लेके हल कर सकते हैं। लघुतम कितना आया बोलो? 5 आया, 5 का 2x तो 2x रह जाएगा, -10 का 10 रह जाएगा। यहाँ बटे हुए क्या मानते हैं? हमेशा 1 मानते हैं, है ना, तो 1 का उधर भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया जो -5। हल करो इसको, -5 और -10 तो 2x माइनस कितने हो गए बोलो? 15 हो गए, बटे हुए क्या है? 5 है, और उधर अपने पास सामने संख्या लिखी हुई है, वो क्या है? y-5। अब अपन क्या कर सकते हैं? x का मान रख सकते हैं, x जहां पर भी है वहां पर x का क्या कर सकते हैं? अपन मान रख सकते हैं, और ये संख्या इसको भी इधर ले आओ तो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। 5 है, उसका पक्षांतरण कर लो, y-5 से गुणा कर लो इसको, तो y से गुणा होगा तो 5y हो जाएगा क्या, और -5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा बराबर। अब ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। समझ में आ गया कि ये 5 का गया जो, अरे आया समझ में? अभी वो गणित के बहुत दिमाग में गणित आ जानी चाहिए, बताऊंगा वापस सरल तरीके से बताऊंगा, अभी फिलहाल जो कर रहे हैं उसको पूरा कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर जहां पर y है, देखो इधर लाओ उसको भी पूरा पक्षांतर करो, 5y फिर -25, फिर यहां पर आ जाएगा अपने पास है जो माइनस का 2x और प्लस का 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जो भी संख्या जोड़ बाकी हो सकती है उनको हल कर लो, 5y फिर माइनस के 25 है, प्लस के 15, कितने बच गए? माइनस के 10 बच गए क्या? -10 -2x और बराबर क्या हो गया? 0। ये लाइन अब तक समझ में नहीं आई, याद है। अब इसमें हमें क्या करना है? x का मान प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, तो यहां हो गया 5y, फिर यहां हो गया -10, माइनस हो गया 2, और x का मान क्या है बताओ फटाफट से? 2y+7। क्या है? 2y+7, ठीक है, कोष्टक बंद। यहां आगे क्या आ जाएगा? 0। यहां हो गया 5y, फिर यहां हो गया -2, 10, फिर -2 को 2 से गुणा किया तो माइनस कितने हो गए? -4y, -2 को 7 से गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कितने हो गए? 14 बराबर क्या हो गया? 0। अब ये इधर 5y है, इधर 4y है, कितना बच गया? केवल y बच गया क्या? और ये माइनस के, ये भी माइनस के, कितने हो गए? -10 और -14 कितने हो गए? माइनस के 24 हो गए क्या? तो y बराबर क्या हो गया? 24 हो गया ना, y का मान कितना आया? 24। अब y जहां पर भी है किसी समीकरण में वहां आप 24 रख दो, तो x बराबर क्या बराबर? x बराबर 2y। अब y की जगह क्या आ जाएगा बोलो? 24 आ जाएगा। क्यों आया? समझ में आया क्या? क्योंकि मान ज्ञात कर लिया हमने, और 24 है यहाँ पर, 2 से गुणा होगा, प्लस होगा उसमें 7। 24 को 2 से गुणा करो फटाफट, 24 × 2 = 48, 48 में 7 जोड़ो 49, 50, 55, कितने हो गए बोलो? 55। यानी आंसर क्या आएगा बोलो? अरे डी ऑप्शन आएगा, 55 वर्ष आ गया ना। अब कुछ को लग रहा होगा कि ये सवाल करेंगे तो हम 2 बजे पेपर बैठेंगे, 6 बजे तक ये प्रश्न कंप्लीट होगा, लग रहा है क्या किसी को? ऐसा सवाल अगर परीक्षा में आ गया, बहुत ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, 1, 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 सवाल आएंगे, तो उनको रखना है सबसे लास्ट में, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी है उसको लास्ट में रखना। लेकिन सुनो, ये काम की बात है, अगर आप ये सवाल सही कर लेते हैं और सही उसमें आंसर तक चले जाते हैं, तो फिर आप जो वो जो भीड़ होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा संख्या, उससे एकदम ऊपर चले जाए, ये गारंटी है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं 2, 4, 5 बार ऐसे सवाल करने। एक तो समीकरण कैसे बनाते हैं वापस देख लेते हैं। जैसे ये शुरू में क्या कह रहा था अपने को, विराट की आयु मोहिंदर की आयु की दुगुनी, तो इसमें विराट की आयु है उसको बराबर के पहले लिखना है, ठीक है, और बाद में जो गुणा हो रहा है उसको बाद में लिखना है। दूसरे में क्या कह रहा था, मोहिंदर की आयु विराट की आयु के, यानी मोहिंदर की आयु पहले लिखनी है, विराट की आयु बाद में लिखनी है।
और गुणा उणा उसी से करना जो बाद में है। आगे के बात समझ में, और जोड़ बाकी तो वही है ना, वो सवाल खुद आगे से आगे कह देता अपने को क्या करना है। जैसे यहाँ x माइनस पांच दो है उधर कोष्टक के बाहर, तो दो से गुणा करना है, बात खत्म है। और एक संख्या बटे हम आगे तो लघुत्तम लेना है, पक्षांतर कर रहे हैं तो प्लस का है तो उधर माइनस करना, माइनस का तो प्लस करना, गुणा हो रहा तो भाग देना, भाग हो रहा तो गुणा करना, इतना काम है, ये तो करना पड़ेगा। ये क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो जैसा है वैसा करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएंगे, घर पे एक बार हल करना, और जैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो और देख लेना, समझना इसको, है ना, वापस बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये इसमें आ गया जो थोड़ा लफड़ा है क्या, लेकिन इधर समझ लेते हैं अपने, आ जाएगा। 11:26 हो रहे हैं, दर्पण के सामने जब भी शब्द आ जाए क्या, उल्टा। मैं जो वो कठिन सवाल इसीलिए लाया ताकि वहां उल्टा नहीं हो अपने, वहां सीधा रहेगा। उल्टा का मतलब जल प्रतिबिंब, ठीक है। जल प्रतिबिंब में अपन माइनस किससे करते हैं बोलो, 17, 30 या 90 से। तो जब बड़ी संख्या हो तो 90 से कर लो, ज्यादा बढ़िया है ना, 90 से कर लेंगे, 30 से कर लेंगे, वाह ठीक बात है, हाँ हाँ 30 से कर लो। क्या माइनस करना बोलो, 11:26, ठीक है। तो 11:26 को माइनस करो, तो इधर तो कितने बच गए, 10 में से 6 गए तो 4, 2 में से 2 गए तो 0, 17 में से 11 गए तो बोलो। अब कुछ को लग रहा होगा 6 है 4 आएंगे, या तो गड़बड़ हो गया मामला, हो गया क्या गड़बड़, अरे हो गया क्या बोलो, हाँ तो 6 4 आ जाएगा सही, नहीं आएगा। ऐसे सवाल है उनमें अपने को क्या करना होता है, 17 90 लेना पड़ेगा। परीक्षा में क्या लगाएंगे वो तरीका तो खुद लगाना। इधर 11, इधर कितने हैं, 26 है। अब हल करो इसको, क्योंकि वो एक घंटे का जो अंतर है ना उसमें थोड़ा समस्या आती है। 11 वाला समय दे रखा है ना, तो उसमें कभी भी वो सूत्र है जो 30 वाला नहीं लगेगा। जैसे अपन वहां सवाल करते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, एक सवाल और है ना जिसमें अपन 23 60 क्या होता है, 23 60 होता है, एक क्या होता है 11 60, है ना। तो 11 बजे वाला समय है उसको इससे घटाते नहीं, इससे घटाते हैं। तो 11 वाला आ जाए तो इसमें भी अपने को 17 30 से घटाना है, 17 90 से घटाना, 90 में से 6 घटाओ, देखो 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4, और इधर 8 में से 2 गए तो 6, ठीक है। अब इधर 17 में से 11 घटाओ, 17 में से 11 घटाओ बोलो 6। अब 6 घंटे और 64 मिनट, 64 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट एक घंटा, तो एक इधर आएगा तो ये हो जाएंगे कितने, 7, और बचेगा क्या, 0 4। अब ये सवाल है ना, हो सकता है परीक्षा में किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि ये तो हमारे साथ है जो एकदम अन्याय हो गया है, तो 17 30 भी बता रखा है, 17 90 बता रखा है, तो हम क्या करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हाँ, तो बहुत सी चीजें ऐसे संशोधित होती है, 11 वाला टाइम है तो उसको 17 30 से नहीं घटाना, अब याद रखेंगे इस बात को, और परीक्षा में सही हो जाएगा, बात खत्म है, ये तरीका लगेगा, ठीक है ना। किसी कूट भाषा में दे आर क्या लिखा हुआ है, पुल्स, पुल्स लिखा हुआ है क्या, हाँ दे आर पुल्स का मतलब प्लान इज, हाँ प्लान इज रिस्की, तथा वी आर वाइज का मतलब ट्रेन इज सेफ, तथा वाइज नेवर पुल्स का मतलब फास्ट अलवेज रिस्की। तो बताओ ट्रेन, तो ट्रेन जिसमें लिखा हुआ उसको चेक करो फटाफट, यह लिखा हुआ है क्या, तो चेक करो ट्रेन इज फास्ट, इज फास्ट और किसी में नजर आ रहा है क्या, फास्ट अलवेज रिस्की ये लिखा हुआ ना, फास्ट है ना, तो इसका मतलब एक बार लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, दे आर पुल्स, इसका क्या है, प्लान इज क्या है बोलो, रिस्की है क्या, हाँ प्लान इज रिस्की। आगे क्या कर रहा है, वी आर वाइज, वी आर वाइज क्या बताया कोड, वी आर वाइज क्या है, ट्रेन इज फास्ट, ट्रेन इज फास्ट, ठीक है। और क्या कह रहा है, वाइज नेवर पुल्स, वाइज नेवर, जब भी इस तरह का मौका आता है तभी ज्यादा लोड देता है, हा? कोई बात नहीं, अब वो देखो वो डायरेक्ट अलग होगा, वैसे इसका आंसर क्या है, वी है क्या, हाँ ये तो क्योंकि पहले बता रखा है, यूट्यूब पे भी है ये वीडियो, एक अलग से एक साइड किसी क्लास में रिकॉर्ड कर रखा है इसको। चलो देखो इधर देखो, ये जो बॉक्स में बंद है वो तो मतलब एक हो गए, और एक जो अंडरलाइन है वो एक हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अपने को ट्रेन का ढूंढना है ना,
ये अपने लिए थोड़ा सा स्पेशल है, इस पे ध्यान देंगे अपन। तो ई जो और फास्ट है, देखो इधर फास्ट लिखा हुआ है ना, और इधर भी फास्ट लिखा हुआ है यार, यहाँ लिख लेते हैं, अब नहीं होगा, नहीं हटेगा है ना। दे आर फूल्स, क्या होगा? प्लान इज रिस्की, रिस्की में वही वही होगा डायरेक्ट है ना। मैं आज आंसर की, आंसर की लिखता हूँ कि ए वाई लिखने मारा है। और क्या है? वी आर वाइज, वी आर वाइज का मतलब क्या होता है वैसे बताओ, बुद्धिमान। ट्रेन इज फास्ट है क्या? हाँ। और आगे क्या है? फास्ट ऑलवेज, अरे बोलो ना रे यार, रिस्की उल्टा लिख दिया क्या? वाइज नेवर फूल्स लिखना था क्या? ओके, वाइज नेवर फूल्स, ठीक है, देख लो फटाफट से। अपने को देखना है क्या, ट्रेन वाला है ना, तो ट्रेन है जो यहाँ है, ठीक है। और चलो वी आर वाइज, वाइज और कहीं मिल रहा है क्या? वाइज इधर लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा हुआ है? वाइज ये लिखा हुआ है, तो इसके सामने फास्ट अलवेज रिस्की है, और उधर क्या है? इज फास्ट, फास्ट होगा क्या? हाँ, तो एक खत्म हो गया यहाँ पर। फास्ट फास्ट है जो किसका है? वाइज का है। अब इज बता, फटाफट से पता लगाओ इज कहाँ लिखा हुआ है, इज यहाँ है क्या, और कहाँ है? अच्छा इज इज ये है क्या, तो फिर इजीरो में काम हो जाएगा ना, आर हो गया इसका, इज है जो किसका है, आर का है। तो ट्रेन के लिए क्या बच गया बोलो? बी बच गया, कर लेंगे इसको है ना, कोई ऐसी मतलब तनाव वाली बात नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा है क्या कलर? हाँ, लेकिन समझने के लिए जरूरी था आपने, तो हो गया ठीक है। अब वापस चेंज कर लेते हैं इसको। ये सवाल था जबरदस्त, जबरदस्त था क्या? हाँ? सोनिया सही हुआ कि फिर क्या किया था? ये सवाल इसी ने पूछा था ना, मतलब बहुत पहले पूछा था एक बार, लेकिन ये मेरे पास सेव था तो काम आ गया इधर। जे जे आर डी आर, फिर है सी ई डी और क्या डी, इस तरह से ये जो कोड बन रहा था, और बन कैसे रहा था? प्लस माइनस इनटू और भाजक। अब इनके जो नंबर है, जैसे जे का नंबर बताओ फटाफट, एबीसीडी में 10 होता है क्या? 10, और इसका क्या होता है? 4, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 14, ये आ गया। तो पहले में क्या कर लिया? प्लस कर लिया, दूसरे में माइनस करना। आर का फटाफट बताओ क्या होता है? आर का 18 होता है क्या? 18 में से 2 माइनस कर लो, कितने हो गए? 16 हो गए, ये 16 है क्या? हाँ। फिर डी का क्या होता है? 4, इसका 5 होता है, 5 चौक क्या होता है? 20, आ गया क्या? 20। और इधर हो गया आर भाजक सी है, तो आर का भी 18 और भाजक 3, मतलब कितना हो गया? 6 3 18, बराबर क्या आएगा? 0 6। ये अब लग रहा होगा कि यार ये तो हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। सपने में सोचा है किसी ने? ये अपने YouTube पे हल करवा रखा, तो जिन्होंने वहां देखा था उनके तो सही होना चाहिए था। किन किन के सही हाथ खड़ा करो? अच्छा ऑप्शन पहले देख लें क्या? हाँ, तो पहले देख लो ना यार, ओ जेड सी टी ई सी एच डी, ठीक है, प्लस माइनस इनटू भाजक, तो ओ और डी है ना, तो ओ का नंबर बोलो फटाफट, 15 होता है क्या? 15 और 4 कितने होते हैं? अरे बोलो 19, 19 वाले कितने ऑप्शन है? 2 है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये बोर्ड ज्यादा ही नाटक कर रहा है ना, ज्यादा ही कर रहा है नाटक। कितनी बार बंद हो गया? 4 5 बार। समझ में आ गया? वैसे देखो जेड का कितना होता है? 26, 26 में से एच का कितना होता है? 8 होता है क्या? 26 में से 8 घटाओ, 18 बचेंगे क्या? 19 के बाद 18 वाला सही हो जाएगा। मैं जो वापस लिखने वाला नहीं, बस समझ लेना तरीका क्या था उसमें, है ना। 19 के बाद 18 वाला एक ही है क्या? अरे पहले ही पहला, कौन सा? पहला ही पहला, ठीक है, ये सही है, कर लेना और देख लेना किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो। हाँ, तुम्हारे सही हुआ क्या? क्या नहीं हुआ? लास्ट सवाल है क्या? हाँ, हमारी दिशा ग्लासेज, थोड़ा सा इसमें हमारी वाली भावना है, उसको थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना, सही बात है या नहीं? तब थोड़ा सब है जो थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे ध्यान देंगे। तो हमारी को क्या लिखा जाता है? INA, है ना, तो H और A। अब नंबर बोलो फटाफट दोनों का,
आठ और एक तो कितने हो गए, नौ। नौ पे क्या होता है, आई होता है। एम और ए, एम कितने पे होता है, तेरह पे, प्लस हो गया एक। चुकदा भी कौन होता है, एन होता है क्या। और आर कितने पे होता है, अठारह। और आई कितने पे होता है, नौ। अठारह और नौ सत्ताईस, सत्ताईस का मतलब छब्बीस पे होता है जेड। तो सत्ताईस पे वापस किसको लाएंगे, ए को लाएंगे, तो ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दो दो का क्या बनाना था, जोड़ा बनाना था क्या। ई कौन से नंबर पे आता, पांच पे। एस कितने पे आता है, अरे बोलो बेटा, उन्नीस और पांच कितने होते हैं, चौबीस होते हैं क्या। चौबीस पे क्या आता है, एक्स आता है। बस ये देखना था, हमारी दिशा क्लासेस सही है। सवाल हो गए सो, है ना, यानी कि ये इसको अलग सेव कर लेते ठीक रहेगा, है ना। कोई रीजनिंग देखना चाहेगा तो वो जो टेबल रीजनिंग देख लेगा, ठीक रहेगा ना।